टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारी वेबसाइट विजिट करें या हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें। वेलकम टू द मजेदार शो विदादियन फैजान सीजन 2। उम्मीद करता हूं आपका वीकेंड बहुत अच्छा जा रहा होगा और ठीक 9 बजे आपने हमारा शो लगा लिया अपने वीकेंड में चार चांद लगाने के लिए। सबसे पहले आपकी मुलाकात कराऊंगा हमारे सिंगर एंड हाउस बैंड काशिफ भाई एंड द कराची बॉयज। वालेकुम सलाम काशिफ भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? वेरी गुड। और जब बात होती है मजे की तो बात होती है मेरे फनियर हाफ की। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर मिस्टर आदि अदील अमजद। अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज बहुत ज्यादा हो गई है तो इस तरह बोलते बोलते आवाज कम हो जाएगी, जो कि हो चुकी है। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आदि आप कैसे हैं? आपके कंधे को क्या हो गया? मेरे कंधे में एक स्पैज़म हुआ है। कौन हो गया है? स्पैज़म हुआ है कंधे में। आप ऐसे ही समझ लें, हाँ। थोड़ा मसल प्रॉब्लम है लेकिन ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, हाँ, इसीलिए मैं जरा जोर से नहीं नाच रहा। अच्छा, कहीं मामला ज्यादा खराब नहीं। नहीं कोई बात नहीं, आप शो में आए ये बड़ी बात है, वरना अक्सर लोग तो पार्टी पे जाने के लिए शूट पे नहीं आते। नहीं, खैर मैं तो बाकी अगर मेरी तबीयत खराब भी हो तो मैं मेक श्योर करता हूँ कि सब अच्छा, इतनी ईमानदारी से काम हो रहा है, काम चलता रहे। आप कैसे हैं भाई? ठीक ठाक हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। क्या चल रहा है मार्केट में? मार्केट में क्या चल रहा है? हाँ। मार्केट में चल रहा है लोगों की पूरी जिंदगी की कमाइयां, हाँ। पूरी जिंदगी की सेविंग, ओके। उसके बाद इनको इन्वेस्ट करके अपने लिए छत ढूंढना, हाँ हाँ। और फिर कुछ अजीब से लोगों का बीच में आ जाना विलन बनके और कहना कि ये इलीगल है। मैं ये रोज देख रहा हूँ, रोज इस चीज से गुजर रहा हूँ और बिल्कुल मुझे अलग इन चीजों का शौक नहीं है। लेकिन ये थॉट मुझे मेरी जान मतलब खींचती है जब भी मैं कहता हूँ, हाँ। कि यार किसी ने पूरी जिंदगी पैसे जमा करके वहाँ घर लिया होगा, हाँ। और जब उसने सोचा होगा कि मैं अपनी जिंदगी में सेटल हो गया हूँ, हाँ। वहाँ हमारे खूबसूरत मुल्क और वहाँ के खूबसूरत ऑर्गेनाइजेशन बीच में आ गए और कहा कि इसको गिरा दो। ठीक है, तो मुझे ये लगता है कि ये गिरा दो, क्यों गिरा दो? पहली बात तो मुझे ये बताएं कि किलोमीटर के किलोमीटर इलीगल बने हुए हैं, मेरा ये कहना है। और दूसरी बात ये है कि कैसे आप गिरा दें? साइन भी हुए होंगे पेपर, अप्रूवल भी आया होगा पूरे गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं। एक जगह नहीं, मैंने सुना है बारहा ऐसा होता है। हाँ हाँ, बिल्कुल, बहुत सारी चीजें साइन होती हैं, बहुत सारे अप्रूवल्स होते हैं, बिल्कुल ऐसी है। उसके बाद जाके कंस्ट्रक्शन वगैरह। तो मुझे ये बताएं जब ये सब हुआ और क्या वो इमारत क्या एक दिन में बन गई थी या वो एक घंटे में बन गई थी? उसको टाइम लगा होगा। हमारे यहाँ तो खड्डा 10 साल में भरता है तो बिल्डिंग बनने में तो टाइम लगा हुआ होगा ना, तो उस टाइम भी किसी को ख्याल नहीं आया। अब बेवकूफों की तरह उठ के आपने लोगों की छतें छीन ली, उसके बाद आप लोग कह रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको सुकून की नींद आएगी, तो खुदा का वास्ता है कुछ अकल को हाथ मारे। उन लोगों का क्या कसूर है? क्या आप मुझे बताएं, आप जिस घर में रहते हैं या मैं जिस घर में रहता हूं, आप मुझे बताएं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के अंदर कोई खिड़की है जहां आप जाके पूछ सकते हैं कि मैं ये जमीन ले रहा हूं ये लीगल है कि नहीं? नहीं है ऐसा, ऐसी कोई खिड़की ही नहीं है। तो जब ऐसा डिपार्टमेंट ही नहीं है, जब आप ही के लोगों ने उसको साइन किया है, तो उन बेचारे लोगों का क्या कसूर है जो बेचारे इतनी मेहनत से अपने सपने लेके उधर गए और आपने उनको घर से बेघर कर दिया? एंड इट इज वेरी सैड एंड बहुत डिस्टर्बिंग बात है। आप शारा फैसल पे जाएं, उन लोगों को देखें, तो आप उनको सिर्फ देखें तो फील होता है। अच्छा, कि यार जो भी है इसका सिलसिला, मुझे इसका बैकग्राउंड वगैरह थोड़ा बहुत पता है, जो भी है, जो भी चल रहा है वो सारी बातें अपनी जगह, लेकिन जिस तरह उस चीज को डिमोलिश किया जा रहा है वो देखा आज हमने, ज्यादा सरप्राइजिंग और ज्यादा स्कैरी है। बिकॉज वो उसके नीचे से बेस को खत्म करते जा रहे हैं, बिल्कुल, और वो इतना बड़ा टावर है, मुझे डर इस बात का लग रहा है खुदा ना खास्ता अगर वो गलत तरीके से कोलैप्स कर गया तो वो और ज्यादा काम बढ़ जाएगा लोगों का और ज्यादा नुकसान हो सकता है उससे। बस हमें अल्लाह की अथॉरिटीज है उनसे गुजारिश है, प्लीज पूरी दुनिया में एक तरीका है चीजों को डिमोलिश करने का, उसको फॉलो कर लें तो आई थिंक वो ज्यादा सेफ रहेगा। और जिस तरह की जो भी चीजें पीछे चल रही है हमें नहीं पता क्या हो रहा है और क्या नहीं। और बात ये कि अगर निकालना है ना तो उनको निकालें जो आपके दफ्तरों में बैठे। सुना है कि कुछ कॉम्पनसेशन वगैरह की बात भी हो रही है, आई होप कि सब कुछ हो जाए और जो लोग खुदा ना खास्ता चीज से गुजर रहे हैं वो बेहतर जाएंगे, कोई मसले वाली बात नहीं है। इसके अलावा आदि भाई आज की जो हमारी गेस्ट है, शुक्र है यार बड़े अरसे बाद सर्दियों का मौसम हो गया, अब लड़कों से बात करने का बिल्कुल दिल। अरे हाँ, सर्दियां तो डिस्कस ही नहीं की, सर्दियां भी आ गई। सर्दियां तो कैसे आ रही, सर्दियां यूं आ रही। हाँ, अब वो हमारे यहाँ कहते हैं कि 6 से रात 6 से सुबह 6 तक सर्दियां हैं, उसके बाद कुछ थोड़ी देर के लिए गर्मी है, फिर बीच में खिजाए, सारे मौसम मैंने चल हाफ एंड हाफ वाली टेक्निक कर रहा हूँ। अच्छा, कंबल ले लेता हूँ आधा, अच्छा, और आधा कंबल से बाहर तो मैनेज हो जाता है, मैनेज हो रहा है हॉट एंड कोल्ड। ठीक है, आज की जो हमारी गेस्ट है बिल्कुल वो पूरी दुनिया से सफर करके आई है मुझे ऐसा लगता है। इंग्लिश वाला, उर्दू वाला? उर्दू वाला, अल्लाह का
शुक्र अभी तक उर्दू वाला ही ठीक है कि लाहौर से कहानी शुरू हुई। अच्छा, फिर बहुत सारा काम कराची में किया, लेकिन फिर रही भी इस्लामाबाद में और अब दुबई में रहती हैं। घूम रही है, लेकिन काम बहुत अच्छा करती हैं, बहुत जबरदस्त एक्टर हैं। जब भी काम करती हैं, जब भी कोई भी कैरेक्टर करती हैं, लोग उनको बहुत पसंद करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से, मैंने जो थोड़ा बहुत इनके बारे में रिसर्च की, वो ये कि थोड़ा कम काम करती हैं। उसकी वजह क्या है वो मुझे नहीं पता। वो जब आएंगी, इनको हम तंग करेंगे, तब पता चलेगा कि क्यों कम काम करती हैं। बहुत सारी तालियां आप लोग घर पर बैठ के बजाएंगे फॉर ज़ैनिश खान। Welcome to the मज़ेदार शो। Thanks for having me here। कैसी हैं आप? ठीक ठाक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरबी आती है आपको? पहले क्लियर कर दें, अरबी आती है? हाँ, बहुत सारी सूरतें आती है, सुनना चाहेंगे आप? नहीं नहीं, मतलब आपको ऐसे नॉर्मल बातें कॉन्वर्सेशन में मैं बोलने लग जाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। मैं आप लोगों को ऑकवर्ड नहीं करना चाहती। आप हमें ये बोलेंगे मैं यहाँ आई मुझे अच्छा लग रहा है। मैं यहाँ आई मुझे अच्छा लग रहा है। आपने अरबी तो नहीं बोला ना? आपने अरबी तो नहीं बोला। वैसे ये एक परसेप्शन है लोगों का कि अगर आप दुबई में रहते हैं तो आपको अरबी आना चाहिए। वैसे ऐसा है नहीं, क्योंकि वहाँ तो ग्लोबली अब मेरे ख्याल से इंग्लिश ही बोली जाती है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है आप जहाँ होते हैं अंटिल और अनलेस ये अच्छा होता है। आप जहाँ है वहाँ की अगर लैंग्वेज सीख लें तो अच्छी बात है, लेकिन मुझे ऐसा कोई शौक पड़ा नहीं अभी तक। पड़ा तो सीख, मतलब ऐसा नहीं होता कोई अमीर अरबी सीखते साथ ही पहली कॉल आपको करूं। पहली मुझे सीख ली मैंने, ऐसा तो नहीं होता कि एक अमीर अरबी देख के दिल चाहे बात करने को और अरबी ना आती हो तो मिस हो जाएगा। मुझे लगता है कि दे ऑलवेज फाइंड अ वे टू कम्युनिकेट। आई डोंट हैव टू पुट एन एफर्ट इफ दे वांट टू। एब्सोल्युटली, यू आर राइट। यार भी आके उर्दू भी बोल रहे हैं चक्कर में आके। अच्छा, बहुत सारे आपको तो पता होना चाहिए अपने जेंडर के बारे में कि कितने पापड़ आप लोग बेल लिया करते हैं। नहीं, हम उर्दू सीखना कौन सी बड़ी बात है, हम दुबई नहीं गए। अच्छा जी, मुझे बताएं कि क्या परसेप्शन ठीक है कि आप कम काम करती अपनी मर्जी से, या कम कम ऑफर होता है, या क्या सिलसिला है? मैंने जितना बहुत देखा आप थोड़ा ब्रेक ले लेके काम करती हैं आपके प्रोजेक्ट्स में, मतलब साल में दो टाइप, ऐसा सीन है। क्या ये पर्सनल चॉइस है? ये बिल्कुल पर्सनल चॉइस है। जो मेरे दोस्त हैं या इंडस्ट्री के लोग जो मुझे जानते हैं, वो सब जानते हैं कि मैं एक इंतहाई मलंग इंसान हूँ। ठीक है, बाय मलंग व्हाट डू यू मीन? बाय मलंग आई मीन उतना काम जितना मेरा दिल होगा, जितना मैं बर्दाश्त कर सकती हूँ। मेरे लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं अपनी फैमिली को भी टाइम देती हूँ, अपने काम को भी टाइम देती हूँ, और अपने टाइम टेबल पे अपने हिसाब से। जब मैं बोर होती हूँ, मुझे लगता है कि अब मुझे काम करना है, तो मैं काम कर लेती हूँ। जब मुझे लगता है अब मुझे और नहीं करना, आई नीड अ ब्रेक, तो मैं वापस चली जाती हूँ। लेकिन अगर इस टाइम में कोई अच्छी चीज आ जाए तो फिर आप क्या करेंगी? तो मतलब आपका काम करने का मूड नहीं है, लेकिन स्क्रिप्ट बहुत अच्छी है, तो फिर मूड बन जाता है। तो फिर आपकी स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि मैं कर लेती हूं। ओके, ठीक है। एक्चुअली अभी भी जो मैं इस दफा भी आई हूं, आई एक्चुअली केम बैक आफ्टर 9-8 months। ओके, और वो मेरा कोई इरादा नहीं था, बिल्कुल नहीं था, अभी भी नहीं था। मुझे काफी बोला कि आए आप ये करें, तो फिर मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए। तो स्क्रिप्ट में आप ऐसा क्या देखती हैं? क्या डायरेक्शन देखती हैं, या देखती हैं कि कैरेक्टर क्या है, स्टोरी कहां जा रही है, साथ कौन काम कर रहा है, क्या प्रोसेस है? अच्छा, इनिशियली ना मैं सिर्फ स्टोरी देखती थी, ठीक है, और मुझे लगता था कि मैं बहुत दिल से काम करूंगी और हो जाएगा, तो चल जाएगा। लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि बहुत जरूरी है कि आप देखें कि डायरेक्टर कौन है, बहुत जरूरी है कि आप देखें कास्ट कौन है, बिकॉज आजकल हमारे साथ जितने भी लोग हैं ना, बहुत सारे हैं जो मुझे वो पैशन या वो डिवोशन अपने काम की तरफ नजर नहीं आती है, जस्ट बिकॉज दे थिंक टू बिग ऑफ देमसेल्व्स इन देयर हेड। सो लाइंस भी नहीं करनी, काम भी नहीं करना, एंड दैट इरिटेट्स मी। सो मुझे पता होना चाहिए मेरे साथ कौन है, वेदर दैट पर्सन इज एज इन्वॉल्व्ड इन द स्क्रिप्ट एंड इन द वर्क एज आई एम। तो अब मैं पूछती हूँ, सारी चीजें पूछती हूँ। और अगर कोई ऐसा कास्ट हो जाए, वैसे ये कैसे गेस करती हैं कि यहाँ मेरे साथ चल सकते हैं या नहीं चल सकते, अगर कोई फर्स्ट टाइम हो आपके साथ? अच्छा, मेरा ये होता है कि ऑब्वियसली इतनी छोटी सी इंडस्ट्री है हमारी, तो आपको पता ही होता है, सबका ही पता होता है, ठीक है। एक तो वो तरीकेकार है, दूसरा जब कास्ट कोई हो रहा होता है तो बंदा पूछ लेता है कि यू नो इजी टू वर्क, सारे नए लोगों और आप हो तो नहीं करेंगे, तो फिर क्या होगा? लेकिन आपको पता चल जाता है फ्रॉम द न्यूज के यू नो इट बी नाइस। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि एज आपका सबसे ज्यादा काम किसके साथ बन रहा है, दैट पर्सन मैटर्स। एवरीवन एल्स नहीं, तो दैट्स फाइन। फर्स्ट टाइमर्स अच्छे ही होते हैं, वो स्वीट होते हैं, हम्बल होते हैं, वो काम करना चाहते हैं, वो सीखना चाहते हैं।
हाँ, usually, मैंने अभी तक किसी के, I haven't come across anyone new who didn't want to work or who wouldn't put in enough effort, you know. तो ये मेरा ख्याल है, नो नहीं नहीं, वो इतना ओवरवेल्म हुए होते हैं कि वो ज्यादा एफर्ट करते हैं, वो करते हैं, बड़े सीरियस होते हैं अपने काम में। मैं ये सवाल पूछना चाहूंगा, अगर आपने किसी की बहुत सारी तारीफ सुनी हुई है और वो अच्छे एक्टर भी है, मैं कहता हूँ, लेकिन हाँ आप सेट पे जो है आप बोले ये तो मेरी कम्युनिकेशन से नहीं हो पा रही, ये हुआ है, गणेश क्या करती है फिर, वो प्रोजेक्ट हो जाता है नहीं होता, आप निकालें, बिकॉज़ देखिए बाय द एंड ऑफ द डे इट्स माय प्रोजेक्ट, और उसमें मैं ये नहीं कह सकती कि जी फलाना, तो मैं मेरा काम खराब मैं नहीं कर सकती, तो मैं इतनी एफर्ट डालती हूँ कि बहुत आराम से मेरा प्रोजेक्ट अच्छे से निकल जाए, उसके बाद आपको जरूरी थोड़ी है कि हैंग आउट करना है साथ या मिलना है। आपको फर्क नहीं पड़ता कि अगर कोई शूट पे आया और बोले जी मेरा अलग कमरा है और मैं अलग कमरे में बैठूंगा या बैठूंगी? नहीं, इट्स अ पर्सनल चॉइस एंड एक्चुअली मेरा अलग कमरा होता है, आपका भी अलग कमरा होता है, और अच्छा मेरी अलग कमरा है, मेरी स्पेसिफिकेशंस क्या, मैं गाने सुनने होते हैं, ओके गाने सुनने होते हैं, हर किसी का मूड होता है ना भाई कि मैं, अब जितने फन लोग होते हैं ना वो सारे मेरे कमरे में आ जाते हैं, क्योंकि उनको पता होता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है सीनियर्स होते हैं आपके साथ जी, वो नहीं उनको इतना अच्छा लग रहा होता है कि आप गाने सुन रहे हैं या आप लाउड बात कर रहे हैं या आप हंस रहे हैं बहुत ज्यादा, तो सिर्फ वो डिस्टर्ब ना हो इसलिए मुझे होता है किसी का कंफर्ट लेवल नहीं खराब होना चाहिए, जो चिल होते हैं वो फिर आके बैठ जाते हैं, फिर हम सारे मिलके शुगर लगाते हैं। हमारी हमारी फील्ड में इस तरह की शूट्स भी होती हैं जहाँ कभी कभी कमरे ही नहीं होते, कमरे ही नहीं होते, आप आउटडोर्स भी कर रहे होते हो या फिर आप आउट स्टेशन चले जाते हो, हुआ है, फिर आप क्या करती, क्या आप हेडफोन्स पे होती हैं या आप क्या कैसे कैसे मैनेज करती हैं इस बात? यार हम लोग ना एक शो कर रहे थे, शूट कर रहे थे, शो ग्रांड में उसका था, तो कास्ट में तो सारे अपने दोस्त ही थे, तो वहाँ पे जरा काफी सारी चीजों का मसला था, आपको पता है आउटडोर्स में और अप नॉर्थ में होती है चीजें, लेकिन वो हम आपस में इट वॉज लाइक अ फैमिली ना, तो कौन कहाँ सो रहा है, कैसे काम हो रहा है, खाना भी मिलके खा रहे हैं, और अगर प्रोडक्शन की तरफ से अच्छा नहीं आया तो किचन में घुस के खुद ही बना रहे हैं, ये दिल मेरा के शूट पे, ठीक है। तो अदनान सदीकी हैपेंस टू बी अ ग्रेट कुक, तो हम लोग सारे मीरा में वो हम लोग डायरेक्टर एसएन भाई हम लोग सारे खुद ही मिलके खाना भी बना रहे हैं, स्नैक्स भी चल रहे हैं, काम भी पता ही नहीं चला काम हो रहा है, वेरी गुड। तो अब ये मेरे साथ नहीं हुआ, जब ड्रामा आया तो वजह लगा इसमें तो काम ही नहीं हुआ, जैसे आपको लग रहा था सच हो गया, पता ही नहीं चला कि काम तो हुआ ही नहीं, अभी तक ऐसा नहीं हुआ, ऐसा नहीं हुआ। अच्छा पता क्या है, ये मजेदार बात ये है कि जब आपके साथ लोग उतने ही मतलब होना कि सारे मंजे हुए एक्टर्स और अपने काम के बारे में सीरियस, उसमें ये होता है कि आप यकीन नहीं मानेंगे, ये दिल मेरा में जो सीन सबसे ज्यादा हिट हुआ था मेरा, द रेप सीक्वेंस, उससे पहले हम में हंसी का ऐसा दौरा पड़ा हुआ था कि हम वी वर लिटरली रोलिंग ऑन द फ्लोर, तो वो ये रेड बत्ती जलती है, एक एक्शन की आवाज आती है, एंड यू गेट इन कैरेक्टर, बिकॉज सारे प्रोफेशनल्स हैं, हम सबको अपना काम तो नहीं खराब करना जी, बिल्कुल, तो फन भी होता रहता है, काम भी होता रहता है। अच्छा वैसे गोरा गोरे जितने भी उस्ताद हैं और हमारे फैसल कुरैशी और ये इन लोग ये हम मतलब कहते हैं, और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि वो कहते हैं जब ऐसे किसी किस्म का सीरियस सीन हो या कोई ऐसी सिचुएशन वाला सीन हो तो उससे पहले हंसी मजाक नहीं करना चाहिए, वो आपकी आंखों में आता है, आप इस बात को बिलीव करती हैं? आई थिंक मेरी परफॉर्मेंस को देखने के बाद मैं लोगों से पूछूंगी कि वो कैसा फील करते हैं, क्योंकि मैं कभी भी ऐसे नहीं करती, मेरे लिए हाँ मतलब मुझे ऐसा लगता नहीं है, बट लाइक यू सेड कि वो अगर सबसे ज्यादा हिट सीन था और उसकी रियलिटी हमें अब पता चली है, पता चल रही है, तो पहले क्या चल रहा था, तो डेफिनेटली यू डिड अ वंडरफुल जॉब। हाँ तो आई थिंक मैं लोगों को ये जज करने दूंगी, बिकॉज मुझे ऐसे लगता है, देखिए वंस द कैमरा रोल्स I don't know what happens, but एक स्विच लग जाता है अंदर, मतलब आप एक ऐसी क्विक ट्रांजिशन होती है कि उसके बाद आपके माइंड में पीछे जो भी चल रहा था नहीं रहता, बट मुझे नहीं पता ये मेरे साथ है ये सबके साथ है, और वंस यू आर इन दैट कैरेक्टर यू आर फीलिंग व्हाट्स हैपनिंग देन दैट्स इट यू नो, तो मुझे उसके लिए घंटों डिप्रेशन में अनलेस इट्स अ पीरियड मूवी लेट्स से, उसमें मैं आज की लड़की हूँ, मुझे इतनी डिटेल्स पता ही नहीं है कि लोग कैसे उठते बैठते थे, एक एक चीज पे आपको फोकस करना पड़ता है डिटेल्स पे, फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग, जैसा मैंने एक प्रोजेक्ट किया था लार्ज, उसमें मैं एक देहाती लड़की बनी हुई थी, अब एक देहाती लड़की को पुल ऑफ कैसे करूं मैं, तो मैंने उसकी बॉडी लैंग्वेज को मैं हम लोग आउटस्कर्ट्स ऑफ लाहौर शूट कर रहे थे, तो मैं उन लोगों के अंदर जाके बैठती थी, उनके साथ खेतों पे ऑफ डे में जाती थी, मैं देखना चाहती थी ये लोग उठते बैठते कैसे हैं, बाल किस तरह हिलाते हैं, अपने कपड़े कैसे पहनते, चलने का स्टाइल क्या है, बोलने का स्टाइल क्या है, तो वहाँ एफर्ट डालनी पड़ी, बिकॉज वो एक ऐसी चीज है मैं नहीं जानती, मैंने नहीं देखा, और उसको अपने अंदर ढालने के लिए मुझे अपनी रिसर्च करनी चाहिए, फॉर दैट काइंड ऑफ अ थिंग आई थिंक आपको वो एक अपने आप को टाइम देना पड़ता है, एक लर्निंग कर्व होता है, और वो भी कितना, अबाउट आई थिंक अ वीक, इन अ वीक आपको समझ में आती है अच्छा ये कर रही हूँ मैं, फिर आप अपने नॉर्मल हो जाते हैं, ठीक है। अपना काम देखती हैं गणेश?
और कितना क्रिटिकली देखती हैं? काफी ज्यादा. I think मैं अपने कभी खुद से इंप्रेस हुई हैं आपकी? यार क्या सीन कर दिया मैंने. बड़ी नार्सिसिस्टिक बात होगी, मैं हर लम्हे ही होती रहती. अच्छा, हर लम्हे ही होती रहती उनकी? इतना ज्यादा उनकी आंखों में आ रहा है कि मैं मुझे पलट के मैं अपने आपकी मैं अपनी फेवरेट हूँ. ये इश्यूज हैं थोड़े, और ये मेरे नहीं है, हमारी इंडस्ट्री के सब लोगों के इश्यूज हैं. कुछ लोग कहना पसंद नहीं करते, मैं बहुत ओपनली कहती हूँ मैं अपने आपकी फेवरेट हूँ, क्या करूँ. नहीं नहीं, आप देख के कभी शर्मा गई? ऐसा हुआ? ओह वैसा वैसा. नहीं, इसमें कोई बुराई नहीं है, इसमें कोई बुराई नहीं है. अच्छा, किसके काम से आप इन्फ्लुएंस होती हैं? यार ये बड़ा अच्छा काम करती हैं, इनकी एक्टिंग या इनकी. अच्छा, पहले मैं आपके प्रीवियस क्वेश्चन को आंसर करूंगी. मैं अपना काम पूरा ड्रामा तो नहीं देख सकते आप, लेकिन पता होता है आपको ड्रामे में इंपॉर्टेंट सीन्स कौन से हैं, तो वो तो मैं ऐसे टिक टिक और उसमें अगर मुझे देखना होता है कि कैसा मैंने अच्छा किया नहीं किया, और अगर नहीं किया तो फिर फ्यूचर के लिए आप वो चीजें याद कर लेते हैं, और किया है तो फिर वेरी गुड. और इंस्पिरेशनल मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग हैं. कोई मुझे तो ऐसा जिसको देखिए आप कहें यार ये बहुत टाइट है. हाँ, एक्टिंग वाइज राइट? हाँ हाँ, नियत साफ रखिए, सवाल की एक्टिंग वाइज आप रखिए ना. नहीं, इनकी तो नियत बिल्कुल ही साफ है. भाई, हम किसी की होस्टिंग एक्टिंग एकदम बोलते यार काशी बहुत टाइट है. हमारे यहाँ का स्लैंग टाइट यही है. अच्छा, तो टाइट आई थिंक मुझे नादिया जमील बहुत बहुत अच्छी लगती हैं. मुझे सानिया सईद बहुत 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 अच्छी लगती हैं. बुशरा अंसारी ऑफ कोर्स. कोई नए जनरेशन में से कोई कोई साथ काम करने वालों में? सज्जल, यमुना. यमुना इज माय फेवरेट. ठीक है. मुझे नाम नहीं याद आ रहे. कोई लड़के भी तो होंगे? हाँ, किसी लड़के का आप देखते? मैं लड़कों को देखती ही नहीं हुआ नहीं आप. अदनान सिद्दीकी इज माय फेवरेट. हुमायूं, आई लव हुमायूं. हु एल्स? सही है, समझ गए ना आप? हाँ, समझ गए. जाहिद, सॉरी, जाहिद. जाहिद लोधी? जाहिद, जाहिद, जाहिद. जाहिद लोधी भी पसंद होंगे आपको? तो क्यों, क्या प्रॉब्लम है उनको पसंद करने में? अच्छे इंसान है. अरे आप कोई सवाल सीधा नहीं सुनती कोई? आपका पिछला पास्ट में कुछ हो चुका है आपके साथ? आपसे सीधा सवाल करो, आप उसका अलग मतलब क्यों? वैसे आज अजीब सी बात है कि आज बिल्कुल सीधी बातें कर रहा है, जो कि मैं थोड़ा सा हैरान हूं, कभी करता नहीं है, लेकिन कर रहा है तो उसको सीधे सीधे. वो मैं ना एक्चुअली अपने वो गार्ड्स अप किए हुए ना आप लोग. हां, नहीं नहीं, अगर आकर मैं फिल्म का गार्ड या आपको मार दूं. हां, आई थिंक ही इज नाइस, ही सीम्स लाइक अ गुड पर्सन. अच्छा, मुझे ये बताएं, मैंने आपका डिजिटल मीडिया स्टॉक किया अभी आपको ना, अभी यहाँ ऊपर चढ़ने से पहले. आपके 2.2 मिलियन फॉलोअर्स हैं माशाल्लाह. व्हाट? इनके मेरे नहीं है, वो लड़की है. wow. तो ये बताएं कि कितना टाइम लगा, कितना एफर्ट लगा, और अगर पैसे भी लगे तो कितने लगे, ताकि सब पता लग जाए. पैसे बहुत ज्यादा नहीं, पैसे नहीं लगाते हम. कितना टाइम लगा? एक्चुअली पैसे लगाने से ना आपको एंगेजमेंट से पता चल जाता है जिन्होंने लगाया वो. ठीक है. दूसरी बात ये है कि आई थिंक अबाउट मैंने बनाया था 2017-18 में अकाउंट. 3 साल में टाका टाक. हाँ, 17-18 में बनाया था. वाह. और एफर्ट मेरी कोई भी नहीं है, मतलब मेरा ये होता है कि पहले तो मैं बहुत ही कम पोस्ट करती थी. आई थिंक इस साल actually about 7-8 months ago. सवाल ये था कि कितना regularly post करते हैं आप? 7-8 months से मैंने थोड़ा regular किया, because people are like आप post ही नहीं करती, ये ही नहीं होता, वो ही नहीं होता. तो अब मैंने, जब से मैंने अपना YouTube start किया ना channel. हाँ जी, जर्नेश खान, follow it right now. जर्नेश खान YouTube पे जाइए फौरन, like subscribe, और वो क्या होता है, bell icon को भी click कीजिए. ठीक है, बिल्कुल. YouTube पे क्या करती हैं आप? व्लॉगिंग भी करती हूँ. इधर आई हूँ, इनको देखो. हाँ जी, ये भी करती हूँ, और सीरियस चीजों पे भी बातें करती हूँ. अच्छा, मैं कुछ टॉपिक्स पे आप जाके देखेंगे तो आई एम श्योर. इतने सारे काम में ये वाला मौका कब मिलता है कि आप व्लॉगिंग भी कर लें और इन चीजों को एड्रेस भी कर लें? तो बड़ा मुश्किल काम है. मिल जाता है. मुझे लगता है जिन लोगों की हड्डी में चैन नहीं होता, जिनको कुछ करना ही होता है हर वक्त, लाइक माई सेल्फ एंड आई बिलीव यू गाइज एज वेल, तो हम टाइम निकाल लेते हैं. टाइम का क्या है, मतलब मैं कहीं पे भी घूमने के लिए, हाँ, इंटरेस्ट होने की बात है. मैं कहीं भी घूमने के लिए जा रही हूँ, मैं जो भी कर रही हूँ, ऑल इट टेक्स इज लाइक पुट अप अ कैमरा, और पूरी टीम होती है साथ. मतलब सिर्फ आपने मोबाइल खोलना है या कैमरा खोलना है, और यू रिकॉर्डिंग, मतलब उसमें कुछ बनावटी तो है नहीं कि मैं, तो इट इज व्हाट इट इज. हाँ, जो सीरियस चीजों पे बैठ के मैं बात करती हूँ, एक सोच है कदम के नाम से मेरा एक शो है, उस पर मैं हमारे माशरती कुछ जो सीरियस सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं हाईलाइट करती हूँ, उनके बारे में बात करती हूँ, उसमें टाइम लगता है. तो वो मुझे अभी पिछले काफी टाइम से मिला नहीं, 6 महीने से 7 महीने से, लेकिन आने वाली है उसकी भी कुछ एपिसोड्स. ठीक है. अच्छा सनीश, हमारे यहाँ एक आपको पता है कॉमिक खेल है, मशवरे देना दूसरों को. हाँ जी, हाँ जी. किसी ने कोई मशवरे दिए आपको जिसपे आपने सुना हो या ना सुना हो?
मशवरे याद है किसी के? लकीली मेरी मेमोरी इतनी खराब है, मशवरे याद नहीं है होंगे तो मैं सुनती बहुत इंटरेस्टिंग हूँ। आप मुझे मशवरा देंगे आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा मैं सुन रही हूँ। मैं ऐसे जोन आउट होती हूँ कि सामने वाला बंदा खान को मशवरे मत दिया करें, ये बिल्कुल आपके मशवरे नहीं सुनती। उन्होंने करना वही है जो ये करना चाहती है और ये इतना अच्छा सुनेंगी आपको लगेगा आपको मैं फिर सुन रही है। बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि मैं जोन आउट हुई थी। मैं बता दूं आप सबको कि ये बिल्कुल आपके मशवरे नहीं सुनेंगी। तो अच्छा मुझे ये बताएं तो ये जितने भी अब नए लोग आना चाहते हैं इंडस्ट्री में, आप उनको क्या जरा हमसे वो पूछते हैं तो मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है, तो आपके पास क्या जवाब है कि अगर कोई नया इंसान आना चाहता है वो कैसे आए इंडस्ट्री के अंदर एक्टिंग करने? आयरोनिकली मुझे लगता है आजकल के जमाने में सबको एक्टर्स बनना है, कोई दूसरी फील्ड में जाना ही नहीं चाहता। अच्छा। पैदा होते साथ ही सबको एक्टिंग करनी है, टिकटॉक से शुरू होते हैं तो उनको फिर और कोई प्रोफेशन माइंड में नहीं है। एक्चुअली मुझे लगता है कि निहायत ही, नॉट दैट आई एम नॉट ट्राइंग टू डिस्क्रिमिनेट एनी वंस लाइक्स एंड डिसलाइक्स, ऑल आई एम सेइंग इज दैट देर आर अदर प्रोफेशन यू माइट बी रियली 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 गुड एट, गिव इट अ शॉट। ये सब लोगों को लगता है इजी फेम इजी मनी, आओ छा जाओ। देखिए हमारी इंडस्ट्री के बारे में आप ये बात मानेंगे कि जिसका चल रहा है अच्छा, यू कैन नॉट डिपेंड ऑन इट। देयर आर सो मेनी पीपल हु डू नॉट वर्क एल्सवेयर और वो इस पे डिपेंड करके बैठे हुए हैं और नहीं कुछ हो पा रहा जिंदगी में। तो एक सेट ऑफ स्किल्स होनी चाहिए आप में कि वन थिंग इज नॉट वर्किंग आउट फॉर यू एंड अदर शुड। आप एक प्रोफेशन के पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें, और यहाँ पे वैसे ही कम चांस है बिकॉज लोग बहुत सारे पूरी दुनिया को एक्टर बनना है। मौके कम है, मैं ये नहीं कहूंगी अपने ख्वाब पूरे ना करें, बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा रियलिस्टिक भी हो। आई थिंक जो मुझे बात आपकी फैमिली और आप सफर भी इस, नहीं करें। इस बात में मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा, जो चीज मुझे अब तंग करती है वो ये करती है कि इस वजह से लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया, पढ़ना छोड़ दिया है यार। कोई ना, अगर हमने भी एक्टिंग करनी थी ना तो हमें, मुझे तो खैर लाते मार के भेजा गया कि बेटा पहले डिग्री मिलेगी तो फिर काम होगा, तो कम से कम पढ़ाई को ना छोड़े, बिकॉज अंटिल और अनलेस आपका कोई काम नहीं बन जाता आपके पास एक फॉल बैक प्लान होना चाहिए या आपको एक ट्राई करते रहे प्रोफेशन के लिए। हाँ, एक सर्टेन प्रोफेशन के लिए आप रेडी तो हो ना। हाँ। तो जरूरी है, लेकिन पढ़ाई ना छोड़ें आप लोग। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग को ऐसा नहीं लगता कि वो जो कर रहा होता है उसके ख्वाब अलग किस्म के होते हैं। नहीं, ख्वाब बिल्कुल पूरे करने चाहिए। अगर किसी का इतना पैशन है आप बिल्कुल करें, लेकिन थोड़ा सा रियलिस्टिक लाइफ में होना जरूरी है कि आप सफर नहीं करें और आप अपने इंटरेस्ट की चीज पर अगर आपने आना है, आप कोई एक्टिंग करना चाहता है तो आप ट्राई करते रहे, ऐसा नहीं मैं कह रही, लेकिन सब छोड़ छाड़ के पढ़ाई छोड़ दी आपने, सब आप उस पर रिलाई कर रहे हैं, अब वो नहीं हो रहा तो क्या करोगे आप? मैं यही कह रहा हूँ कि अगर आपने एक्टिंग करने का आपको बहुत शौक है, आप चाहते हैं कि आप एक्टिंग करें, स्कूल चले जाएं, एक्टिंग स्कूल जाके पढ़ें या फिर एंड इफ यू डोंट हैव द मनी लर्न इट ऑनलाइन, वॉच व्हाटएवर यू कैन, जाके ऑडिशन भी दे दें, ट्राई करते रहें, लेकिन प्लीज कुछ और भी करते रहें। अच्छा, ये टीवी के ऑडिशंस कहां होते हैं यार? ये मैं आप मुझसे क्यों नहीं, माशाल्लाह फॉलोअर्स इतने बड़ा नाम है आपका, टीवी के ऑडिशन आई थिंक प्रोडक्शन हाउसेस वगैरह में देने चाहिए, मुझे नहीं पता, मैंने कभी दिया नहीं। लोग पूछते होंगे कि जी मुझे एक्टिंग करनी है तो हमें गाइड कर दें। मुझसे जब भी कोई पूछता है ना तो सिंसेयरली अगर कभी मेरे सामने कोई ऐसी रिक्वेस्ट आ जाए कमेंट्स में और मुझे इंटरेस्टिंग लग जाए, मैं एक्चुअली अपने डायरेक्टर्स वगैरह को बोल देती हूँ कि यू नो दिस पर्सन लुक्स रियली नाइस एंड वांट्स टू एक्ट, कभी हो तो देख लिएगा, और आई शेयर द लिंक। तो ये मैं साइलेंटली करती रहती हूँ उन लोगों के लिए जिनको मैं नहीं जानती, उन लोगों के लिए भी जिनको मैं जानती हूँ, बिकॉज इट्स फाइन यू नो। तो कभी कोई सामने आया ऐसे कि ओए इसको तो मैंने कहा था? मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन नहीं, लेकिन आया है कोई देख के खुशी हुई? आई है, आई है, वेरी नाइस, आई है मेरी। इसका मतलब है कि आप कमेंट्स वगैरह पढ़ती हैं, रिप्लाई भी करती हैं? ऑफ कोर्स अब मैंने शुरू किया है, पहले मैं सोशल मीडिया को इतना सीरियस नहीं लेती थी, लेकिन अभी गुज़श्ता कुछ महीनों से मैं पोस्ट करती हूँ, मैं सीरियस लेती हूँ, सीरियस किस हद तक कि जब आपके जो फैंस आपको फॉलो कर रहे होते हैं वो बड़ा अपना वक्त निकाल के आपके पीछे एडिटिंग ये वो और उनके बड़े ख्वाब होते हैं, तो आई जस्ट फाइंड इट वेरी स्वीट और मुझे लगता है कि इट्स वेरी रूड नॉट टू सी कि है ना वो कितना एफर्ट डाल रहे हैं, तो देखना चाहिए और उनसे कम्युनिकेट करना चाहिए, बिकॉज दे लिटरली स्पेंड ऑलमोस्ट हाफ अ डे ऑन द फोन जस्ट टू चेक यू आउट एंड जस्ट टू लाइक आपके एडिट्स बनाने लगाने उस पे टाइम लगता है चीजों पे यार, सो आई लव ऑल माय मतलब हमारे घर वालों से ज्यादा वक्त वो हमें दे रहे हैं। देखिए सच्ची बात है वाकई। अच्छा मुझे ये बताएं आप व्लॉगिंग करती हैं, ये ख्याल कहाँ से आया एक एक्ट्रेस को
कि जिसको आदत हो सेट की, लाइटों की, माइक की, वो एकदम से कहे कि मैं कैमरा पकड़ के शुरू हो जाऊंगी जिंदगी में। कोरोना की बोरियत ने वो आइडियाज निकाले ना अंदर। उन पहले तो सारे शेफ बन गए थे, पहले सारे एक्टर शेफ बन गए थे, तो ये उसी में आया आपके पास। मैंने पता आपको कोरोना के टाइम्स में ब्लॉगिंग शुरू की, कुकिंग शुरू की, पेंटिंग दोबारा से शुरू की, क्या नाम है, अभी बहुत सारी चीजें जो मैं प्लान करी थी कि वो ऐसे ऐसे हिडन टैलेंट्स निकले ना अंदर से, क्योंकि इतना बोर हो रहे थे यार, कुछ करना क्या था जिंदगी में। हाँ। तो फिर मैंने सोचा यही शुरू कर देते। तो जब अपनी जिंदगी में बिजी होती हैं, आप तो होती होंगी यकीनन, जब बिजी होती है तो उस वक्त नहीं आपको ऐसा लगता कि यार वो जो वक्त गुजरा था उसमें मुझे टाइम मिला अपने लिए, तो इस रूटीन में मुझे अपने लिए टाइम निकालना चाहिए? मैं निकालती हूँ, मैंने कहा ना कि मैं बाकी लोग, आई डोंट हॉग आफ्टर वर्क। मुझे होता है जिंदगी एक दफ़ा मिली है, फैमिली टाइम भी इंजॉय करना बहुत ज़रूरी है, काम भी करना बहुत ज़रूरी है, और अपना टाइम भी होना ज़रूरी है। मैं ऐसा, डोंट टेक मी रॉन्ग, आई एम एक्सट्रीमली पैशनेट अबाउट माई वर्क, और जब मैं काम करती हूँ, जब मैं सेट पे जाती हूँ, आई थिंक आई एम द ओनली प्रोफेशनल एक्टर, आई एम सॉरी टू से, बट क्योंकि मैं कभी लेट नहीं होती, मैं कभी हार्ड टाइम नहीं देती, मैं जान मार देती हूँ अपने सीन के पीछे, लेकिन वो एक्टर जर्निश मैं सेट पे छोड़ के आती हूँ जब मैं घर आती हूँ। जब मैं घर आई हूँ, आई एम माई सेल्फ, मैं चाय पीती हूँ, मैं अपने घर वाले सारे खानदान को एक एक करके कॉलिंग करती हूँ, पापा को, अपने हस्बैंड को, बहन को, भाई को, सबको मैंने बताना है ऐसा हुआ वैसा हुआ, दिन ऐसा गुजरा, और फिर बस मैं हूँ, और मैं आई मेक श्योर दैट आई हैव टाइम फॉर द पीपल दैट आई लव, आई हैव टाइम फॉर माई सेल्फ, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। एक जिंदगी को मैं सिर्फ, आई डोंट वॉन्ट बी 80 एंड लुक बैक इफ आई मेक इट, I don't want to be 80 and look back and see कि यार मैं तो सारी जिंदगी सिर्फ काम या फलानी चीज करने में जाया कर दी। I should do everything। अच्छा मुझे बताएं घर में काम कौन देखता है, और घर में लोग ज्यादा पसंद करते हैं काम को, क्रिटिक करते हैं या कहते हैं बस तुम जो कर रही हो अच्छा लग रहा है, या कोई मशवरे देता है कि स्क्रिप्ट को ऐसे पढ़ लो, ऐसे देख लो, क्या सिलसिला है घर में? अच्छा, तो मेरे काम को मेरे पापा सारे ही बहुत अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन मुझे लगता है मेरे पापा और मेरे हस्बैंड जो है ना वो बड़ा डिटेल में देखते हैं, नहीं ये नहीं करना आइंदा, या ये बहुत अच्छा था, ये कैरेक्टर तुम पे सूट किया था, या अगर मैं शूट जब कर भी रही होती हूँ, आई सेंड देम पिक्चर्स एंड वीडियोस, तो वो दिल भी लाइक, नहीं नहीं ये वाले बाल नहीं अच्छे लग रहे, या ये वाला स्टाइल अच्छा नहीं लग रहा, डोंट डू इट। तो उसके बाद अगर डायरेक्टर बोले नहीं यही करना है, फिर आप क्या होती है, मेरे बाप ने मना कर दिया, तो मेरे बाप नहीं बनो डायरेक्टर, मेरे बाप नहीं बनो, मेरे बाप ने कहा कि अच्छा नहीं लग रहा, तो नहीं लग रहा, ऐसा हुआ है कभी? नहीं, मुझे लगता है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सारी चीजें होनी चाहिए। सो फार मैंने जिन डायरेक्टर्स के साथ किया, एक्सेप्ट फॉर लाइक वन और टू, मोस्टली दे हैव बीन वेरी कोऑपरेटिव, एंड हम लोग म्यूचुअली डिसाइड करते हैं। और मैं, मेरी एक आदत है कि मैं शुरू होने से पहले ड्रामा मिलती हूँ जाके कि क्या कैसे बाल होंगे, कैसे ये होंगे, फिर मैं जाके वो अपनी लुक पूरी क्रिएट करती हूँ कपड़े पहन के, ताकि सेट पे जाके बदमजगी नहीं हो, और मैं सीन होने से पहले, हर सीन से पहले डायरेक्टर के साथ जाके क्वेश्चन के, अमूमन ये होता है कि हम अपना होमवर्क करके जाते हैं, लेकिन डायरेक्टर कहता है मेरा तो प्लान ये मैं है, पहले से करके जाती हूं, तो प्लान ये है, फिर क्या होगा? मैं सेट पे नहीं ना करती होमवर्क। अच्छा, मेरा ये सारा होमवर्क, जब मिलने भी जाते हो तो आप कहते हो ना कि भाई मेरा, मेरे हिसाब से इस कैरेक्टर को ऐसे करना चाहिए, नहीं वो फिर आप अपना हिसाब नहीं ना लेके जाते, वो आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग का भी तो मार्जिन छोड़ना होता है ना। मैं अपना आइडिया कह सकती हूँ कि मैंने ऐसा सोचा, फिर वो बताते कि हमने ऐसा सोचा, फिर आपको डायरेक्टर्स मिलते हैं, अब तो लोग कहते हैं सेट पे आके स्क्रिप्ट ले लीजिएगा, क्या आपको? मैं नहीं करती, मुझे आपको कहा ना कि आई डोंट हॉग आफ्टर वर्क, अगर मुझे ऐसे लगे कि किसी और का इतना इंटरेस्ट नहीं बैठ रहा काम में, तो मैंने साल में एक प्रोजेक्ट करना है, मैंने बहुत मेहनत से करना है, अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो सॉरी, फिर मुझे करना ही नहीं है। तो कभी ऐसा हुआ प्रोजेक्ट के बीच में पापा ने कह दिया हो कि बेटा नहीं करो? तो आपने कहा पापा ये कैसे होगा? पापा कुछ भी कर सकते हैं, पापा तो कुछ भी कर सकते हैं। तो फिर क्या, फिर आप क्या करती हैं? पापा की सुनती हैं, मेरे बहुत रीजनेबल है, वैसे हैं नहीं ना, उनको कहना होगा तो वो प्रोजेक्ट से पहले कह देंगे। नहीं, मामा पापा अक्सर कहते ना, बस मैं कह रहे हूं ना, बस मैं कह रहा हूं, मेरे ऐसे है नहीं, मेरे अम्मा अब्बा, मेरे दोनों my closest and my bestest friends, लोग अपने बाप से या अपनी माँ से, शायद मैं कुछ भी कह सकती हूँ अपने पापा से, मैं बड़ी सारी मसाले तो मैं भी कह देता हूँ, मतलब है ना, मैं भी कुछ भी कह देता हूँ, उसके बाद जो मेसा करते हैं ना नहीं, लेकिन my father is very 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 understanding and supportive and very reasonable, he's a very reasonable man। ऐसा दुनिया में कुछ नहीं है जो मैं बाहर किसी को ढूंढूंगी और अपने बाप से या अपने शौहर से नहीं कह सकती। मुझे सबसे पहले मेरे घर पे है मेरा सपोर्ट सिस्टम, वहां से पूछूंगी कि क्या सही है क्या नहीं है, बाहर का मुझे नहीं फर्क। तो कभी ऐसा हुआ शूट के बीच में आपके मिस्टर जर्नेश ने कहा हो आई मिस यू प्लीज कम बैक फॉर अ फ्यू डेज? हाँ जी, ऐसा हुआ है और मैं चली गई थी। चली गई, छोड़ दिया आपने शूट, प्रोफेशनलिज्म साइड पे कर लिया। सुन ले, लेट मी, शौहर की बाहों में जाके मैं बैठ गई, ऐसा ही हुआ था। लेकिन सुन ले क्या था, प्रोफेशनलिज्म भी
मैं जानना चाहता हूं आपका हैंपर तो क्या होता है कि आप अपनी टीम के साथ बैठते हैं, बैठ गए ठीक है, आप उनको बोलते हैं ये वाली डेट स्विच कर लें, मैं आपको आगे ये वाली दे देती हूं, इसमें क्या मैं जा सकती हूं फॉर 3 डेज 2 डेज। मैं झूठ नहीं बोलती, ये शौहर रो रहा है, ये आप किसी भी बंदे को पूछ लें, आधे से मतलब भले बुरी लगे, बहुत सारे लोगों को ये होता है मैं बड़ी ब्लंट हूँ, मैं बड़ी मुंह फट हूँ जो है कह देती हूँ, लेकिन मुझे लगता है वो बहुत बेहतर है बजाय इसके कि आप झूठ बोलें, मक्कारी करें या आपके दिल में कुछ है आगे कुछ है जो है वो कह दो, ठीक है। तो मैं क्लियर करके जाती हूँ कि प्लीज, और मैं आई डू नॉट लीव द सेट टिल आई फील कि ये ओके क्योंकि उनका प्रोजेक्ट है, लेकिन मेरा घर भी इंपॉर्टेंट है, तो आई विल पुट एवरी लास्ट बिट ऑफ एफर्ट दैट आई कैन टू मेक दैट हैपन बिकॉज़ माय फैमिली कम्स फर्स्ट। वंडरफुल, खवातीन आज़ाद से हमने सीखा ये कि अगर आप सच बोलें तो आपकी बात बन सकती है, बन सकती है, अगर क्या सच बोलें, नहीं नहीं आजकल लोग नहीं बोलते ना सच, इसलिए मैंने बोला अगर अगर आप सच बोलें तो आपके काम आसान हो सकते हैं, किसी का कोई नुकसान भी नहीं हो सकता, और ट्राई कर लें, ट्राई करके देखें, उम्मीद करता हूं एक चीज ना प्लीज जिंदगी में पंक्चुअल होना सीखे, और अगर आप नहीं हैं तो उसके बारे में सच बोलें, ये मत कहें मैं 5 मिनट पहुंचूं जब आपको पता है कि आपने 3 घंटे में। पहला मेहमान है जिसने पहले सेगमेंट में आखिरी सेगमेंट की बात कर दी है, जो आखिर में मैसेज देते हैं वो पहले ही दे दिया है, यू नो इट्स जस्ट इट वाज राइट देयर, आई हैड टू से इट। आप अपना कर लो, आप जितना संभाल के आओ हम काट के वहां लगा देंगे, आई फील मच रिलैक्स। ब्रेक का ब्रेक पर जाएं, ब्रेक से वापस आए, हमारे साथ मौजूद है दर्निश खान, आप देख रहे हैं द मजेदार शो। आप देख रहे हैं मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि अदील अमजद, उनके साथ मौजूद है जर्निश खान, और हम खेलने लगे दिस और दैट। मजेदार 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 तो कुछ यूं आपसे एक सवाल होगा, उसके दो ऑप्शन होंगे, आपने उसी में से एक ऑप्शन देना है, आप अपना तीसरा ऑप्शन नहीं दे सकती, और जब मैं आपसे कहूंगा तो आपने अपना बताया वो ऑप्शन जस्टिफाई करना है कि मैंने ऑप्शन क्यों चुना। सही जी, तैयार हैं आप? बिल्कुल। टीवी या फिर फिल्म? टीवी। पॉजिटिव कैरेक्टर्स या फिर नेगेटिव कैरेक्टर्स? दोनों नहीं, कोई एक। दोनों नहीं है, एक ऑप्शन आपने एक ही चूज करना है। ये क्या बात हुई? असल में ये शो है ना। अच्छा चले, अरे प्रेफरेंस क्या है? दोनों है, अब मैं हार गई। नहीं, वो तो है, वो तो सबकी होती है, एक बताएं। आई डोंट नो, आई थिंक पॉजिटिव सेल्स मोर। ओके जी, ठीक है। अच्छा ठीक है, डायरेक्टर्स विजन या फिर अपना होमवर्क? दोनों। ये क्या बात है यार, अभी तो शुरुआत ही है, अभी आगे ऐसे से सवाल है कि आपको बड़ा मुश्किल हो जाएगा। गेम का नाम है दिस और दैट, अपना होमवर्क, अपना होमवर्क, बाकी लोग अपना करके नहीं आते बहुत खास। इट्स ऑल राइट। समी खान या फिर जुनैद खान? समी खान। समी खान। जुनैद भाई, मैंने बड़ी कोशिश की, लेकिन आई एम सॉरी, आपने इनबॉक्स भी किया था, लेकिन मैंने बड़ी कोशिश की, कोई बात नहीं। बारिश या फिर बर्फबारी? ये क्या हुआ? सोच रही हूँ यार, दोनों ही बहुत पसंद है। बर्फबारी कम देखने मिलती है ना? ठीक है, बर्फबारी कम क्यों देखने को मिलती है? बर्फबारी क्योंकि कम होती है जहाँ हम होते हैं, मतलब होती नहीं है जहाँ ये होती है, माननी होती ना। ठीक है, इस ज़हन नसीब या फिर ये दिल मेरा? लेकिन सॉरी। अच्छा जी, मिकाल ज़ुल्फ़िकार या फिर असफर रहमान? मिकाल। मिकाल। असफर भाई, असफर यार जिसका काम ज्यादा किया हुआ बंदा, वो भी तो एक गेम है। अच्छा मैं पूछना चाहूंगा क्यों मिकाल और क्यों असफर, क्यों नहीं मिकाल, क्यों? Because I think Mikaro मेरी on screen chemistry अच्छी है, plus मैंने उसके साथ काम थोड़ा ज़्यादा किया हुआ है, और Asfar भी जाने में आपके साथ, Asfar भाई आपके साथ chemistry नहीं बन पाई, Asfar और मेरी भी अच्छी chemistry है, और मिकाम आपने कहा था this or that, what am I supposed to do? मैंने ये भी कहा था कि जब मैं आपसे पूछूंगा तो अपना जवाब justify कीजिएगा। I think Asfar। मिकाल भाई आपको चूज करके इन्होंने कहा नहीं असफर ज्यादा बेहतर है, आप खुद देख लो। अब आप देख लें मिकाल भाई, कोई फायदा नहीं इतना खूबसूरत होने का, उन्होंने कहा असफर ज्यादा बेहतर है, यानी कि अभी आपके साथ काम कर गए कह रहे नहीं असफर ज्यादा बेहतर है, कोई मसला नहीं है। वेस्टर्न कपड़े या ईस्टर्न कपड़े? अब अगर मैं ईस्टर्न बोलूंगी तो लोग कहेंगे नहीं नहीं नहीं, ये तो शो पे आपने पहने ना, कोई बात नहीं, जवाब से भी सिंसियर रहे। ईस्टर्न व्हाई? बिकॉज़ मुझे लगता है बड़ा कंफर्टेबल है। ओके ठीक है। अच्छा नहीं तो वेस्टर्न कंफर्टेबल नहीं होता? मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल मैं बात कर रही हूँ फिजिकली, कि मुझे पैंट्स वैंट्स एंड ऑल ऑफ दीस थिंग्स, या वेस्टर्न में मैं थोड़ा उतना फ्री फील नहीं करती जितना सलवार कमीज या यू नो पैंट कोट में आकर वाले। हाँ करती हूँ ना इसके बाद। बिल्कुल ठीक है। फ्रूट्स या फिर वेजिटेबल्स? फ्रूट्स। ठीक है। फ्रूट में ये बताएं, केला जो है काट के खाती है चूस के खाती है? केला कौन चूस के खाते हैं? आम। आम वो आम होता है। असल में केला मैं दोपहर में खा गया हूं तो मुंह में जायका आ रहा था इसलिए मुंह से निकल गया। ओके आम। आम जैसे छोट डिपेंड करता है जब छोटे होते मतलब नहीं वो जो छोटे वाले नहीं होते साइज के अल्बेराडोल
मुझे नाम क्या, मैं रेडी लगा दी हूँ। वो आप चूस के बंदा खाता है, बड़े वाले काट के खाता है। ठीक है, मुझे पता है जिम में वर्कआउट या फिर घर पे वर्कआउट? कहीं भी नहीं वर्कआउट। आप वर्कआउट नहीं करती हैं? ऐसा तो नहीं हो सकता। अच्छी बात है अगर लोगों को लगता है कि मैं करती हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है लास्ट टाइम मैंने किया था 4 साल पहले। क्या इतनी तकल्लुफ क्यों 4 साल पहले जो आपने किया? मैं बहुत मोटी थी तब। कितने, आधा किलो? वैसे आप मोटी भी रही हैं वाकई। मैं अगर आप मेरे शुरू की प्लेस देखें, मैं काफी मोटी। चल भाई निकाल, लगाओ लगाओ। अच्छा, ढूंढो। ये बताएं कि रैंप पे वॉक या फिर फोटोशूट? दोनों ही मुझे जहर लगते हैं। जहर क्यों लगते हैं? बिकॉज यू नो वो जो 5 मिनट की वॉक होती है या 5 मिनट का वो जो फोटोशूट होता है, उसके पीछे जो प्रेपरेशन होती है ना, बहुत खपती है। लेकिन ये तो ड्रामे में भी होता है, इतनी पूरा दिन लगाते हैं और 3 सीन पर माइंड बन जाता है ना। सेट पे आप बैठे हुए होते, घर वाला माहौल बना, मैंने क्या कहा था, अपना रूम, घर वाला माहौल, म्यूजिक, तो मैं ऐसे सीन तो मैं बीच बीच में करने जाती हूँ। असल में मैं चिल करने जाती हूँ। अच्छा जी, विंटर्स या फिर समर्स? विंटर्स। देसी खाना या अंग्रेजी खाना? देसी। अवार्ड्स या फिर नो अवार्ड्स? की फर्क पैंदा? नहीं फर्क तो पैंदा है, पैंदा है, क्यों नहीं पैंदा? जिन्हां नूं पैंदा है उन्हां नूं पैंदा है, जिन्हां नूं नहीं पैंदा उन्हां नूं नहीं पैंदा। अच्छा, इन्हां नूं नहीं पैंदा। ठीक है जी, साइकिल या फिर बाइक? साइकिल। बाइक आती नहीं चलानी? दोनों चलानी नहीं आती आपको? साइकिल आती है, साइकिल मैंने कहा है, यस। बाइक चलानी नहीं आती। साइकिल। बैठना किस पे पसंद है? हां साइकिल। साइकिल भाई। ठीक है, बस या फिर रिक्शा? रिक्शा, मुझे ना चारों तरफ से खुला हुआ, इट्स लाइक ये सारे अमीर लोग का ये मजे हैं। सारे अमीर लोग के ये मजे हैं। जो बेचारा रिक्शे में घूम रहा है उसकी कमर पीछे टेढ़ी हुई है, वो लटक रहा है। अमीर वाले होते मतलब फैंसी, यू नो, गुड 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 नॉइस कमिंग। अच्छा वो ये भी कह रही है, आपको किसने कहा मैं अमीर हूं? खुद बता, रहती है आप दुबई में? इतना लंबा जो आप गरारा पहन के आई है हमारे शो पे, ये गरीब आदमी नहीं पहन सकता। ये गरारा नहीं है, शरारा। इसी से पता चला कि तुम बहुत गरीब हो। अच्छा चले मैं आपको एक बात बताती हूं, इसी से जो लुक्स होती है ना उस पे नहीं जाना चाहिए। मैंने क्या कहा था शो के शुरू में कि मैं एक्सट्रीमली मलंग इंसान हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ब्रांड, मुझे नहीं फर्क पड़ता वार्ड। ये जो मैंने स्कर्ट पहनी है, मांगा हुआ किसी से स्कर्ट? हाँ जी, ये स्कर्ट है तकरीबन आई थिंक अगर पाकिस्तान में कन्वर्ट करूँ तो 4,000 की, ठीक है, 3,500-4,000 ज्यादा की नहीं है। ठीक है, वेरी गुड। सो सब अभी काम कर रहे होंगे, अच्छा कितने गरम कर लिया है। सब लोग अपने कपड़े देख रहे हैं, अगर 4,000 तक के तो रिक्शे में जाएंगे तो मजा आएगा। अच्छा जी, रिकॉर्डेड शोज या लाइव शोज? रिकॉर्डेड। ठीक है, लाइव भी सही है, बस लेकिन उस दिन मेरी नींद पूरी होनी चाहिए क्योंकि मार्जिन नहीं मिलता। हाँ, लाइव पे ना। अब सही बात, एक दफा यही एपिसोड मेरे साथ हुई थी, मैं निदा के शो पे बैठी हुई थी और वो अब 6 लोग बैठे हुए थे ईद पे, जब तक वो मेरे पास आए मैं भूल गई सवाल क्या था। क्या आपने क्या पूछा? क्या तो मैंने कहा व्हाट, कोई बात नहीं यार। मैंने कहा कैन यू प्लीज। हाँ ठीक है, मॉर्निंग शो या इवनिंग शो? इवनिंग शो। ठीक है, आइसक्रीम या आइस टी? आजकल आइस टी। आजकल आइस टी। बिरयानी या पुलाव? बिरयानी। अरे तेरा शुक्र है, लाहौर से होने के बावजूद कह रही है बिरयानी, वेरी गुड। ये बताएं कि ननियाल या फिर ददियाल? मुझे क्यों देख रहे हो ददियाल पे? क्योंकि तुमने कुछ कहा ना। ये है तो नहीं पीछे से अपने ही बरादरी के। ननियाल या ददियाल? दोनों मेरे तो गोली। ये सीरियस क्वेश्चन है, इसमें नहीं मैं चूज कर सकती हूं। मुझे सीरियस ही कर रहे हैं आपसे, हम सीरियस ही चल रहे हैं। इसमें मैंने घर वापस जाना होता है। एक एक नहीं, मैं नहीं कर सकती। नहीं, करना पड़ेगा आपको, देखिए शो चल रहा है। नहीं, ये वाला सिर्फ ये वाले में दोनों, बाकी में पक्की बात है। और ये फंस गई, खुद ही फंस गई। बीफ या फिर चिकन? आजकल बीफ। आजकल से क्या मुराद है? पहले आप ये आजकल आपको क्या चल रहा है? हाँ, आजकल का क्या मतलब है आजकल? आजकल बीफ। इमरान खान से इंस्पायर्ड तो नहीं? उनका भी आजकल मेरे, मैं उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ, एक अलग चैप्टर है, एक अलग बात है। लेकिन आजकल इसलिए बिकॉज मेरे में ना फेजेस आते हैं। कभी बिल्कुल वेजिटेरियन, कभी बिल्कुल चिकन, और मीट तो मुझे पसंद नहीं आता। आजकल बीफ चल रहा है। आजकल बीफ चल रहा है। ठीक है, पाकिस्तान या फिर अब्रॉड? पाकिस्तान। आजकल क्योंकि मुझे घर गए हुए बहुत टाइम हो गया है। अच्छा, तो आजकल से ही पकड़ लिया। ये पता क्या करती है, जब बजरी होती है ना वहाँ आजकल डालती है। मैं इनसे सवाल भी ऐसे करूँ, आजकल लेट या फिर आजकल पंक्चुअल? हमेशा पंक्चुअल। शुक्रिया, तो चेंज हुआ। अच्छा जी, आजकल रोमकॉम्स या फिर आजकल हॉरर फिल्म्स? हमेशा रोमकॉम्स। मेरे जो मियां है ना और मेरे बहुत सारे दोस्त, मेरी बहन, उनको मैं जहर लगती हूँ इस बात की वजह से। मैं हॉरर नहीं देखती, थ्रिलर नहीं देखती, मुझे खून नहीं देखा जाता, मार कुटाई नहीं देखी जाती, दे हेट मी फॉर इट। खून आप कभी दिया है? खून डोनेट किया है? एक दफा कोशिश करने की कोशिश की थी, कोशिश करने की कोशिश की थी, लेकिन मेरे से पहले मेरे कजन ने दिया और मुझे लगा ये बहुत पेनफुल प्रोसीजर है, ना हो पाएगा, तो मैं भाग गई। कभी किसी को खून नहीं दिया आपने? कोई बात नहीं यार, आप अभी ले ले यार, ये बाजू ले आपने, क्या चाहिए? अच्छा, आजकल चाय या कॉफी? कॉफी आजकल। ठीक है, सिंगिंग या फिर डांसिंग? डांस इज माई फॉरएवर लव, सिंगिंग आजकल नहीं, कोई एक तो आजकल सिंगिंग।
सिंगिंग. अपने हस्बैंड को भी आप ऐसे बोलते हैं कि यार आजकल तो मुझे अच्छे लग रहे हो. हाँ. वैसे कुछ खास नहीं लगता. मैं कहती हूं आजकल मुझे तो खास अच्छे नहीं लग रहे. ठीक है. वोट या फिर नो वोट? वोट या नो वोट? पॉलिटिकली पूछ रहे हैं. और मतलब और क्या करना चाहिए? वोट हमारी रिस्पांसिबिलिटी बनती है कि हम ये एक ऐसा मुझे लगता है कि ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि जिस मुल्क में हम रहते हैं उसकी हुकूमत बनने से पहले हम डिसाइड करें कि कौन सही बंदा है हमारे ऊपर आगे बैठने के लिए. आपने किसको वोट दिया था आखिरी बार? इमरान खान. इमरान खान को. तो अभी आपको अच्छा लग रहा है वो वोट? बहुत अच्छा लग रहा है. पेट्रोल दुबई में डल रहा है इसलिए. यार आप लोग, आई एक्चुअली आंसर दिस क्वेश्चन. पेट्रोल सिर्फ पाकिस्तान में नहीं भर रहा, ग्लोबली भर रहा है. और ग्लोबली अगर आप बाकी जगह से प्राइस देखें तो आजकल जो है. तो मुझे ये बताएं मैंने आपको देखे क्यों दिया कितना अगर अच्छा? आप लोग का फन शो है तो सीरियस बात ना करें. मैं मैंने आपको शो अच्छा क्यों दिया जानना चाह रहे हैं जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी जो हो रहा है क्यों हो रहा है. अच्छा तो मुझे ये बताएं कि पेट्रोल तो पूरे दुनिया में बढ़ रहा है आजकल, लेकिन पूरी दुनिया में तो गैस भी आ रही है या नहीं आ रही? आपको पता है कि आपका मुल्क कितना पीछे था? कितना पीछे था? यही था बिफोर इमरान खान टुक ओवर. कितना पूछ रहे हैं ना आपसे कितना पीछे था? पूछ रहे, हमें नहीं पता. आप बताओ कितना पीछे? 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर आई थिंक. अच्छा आप मुझे ये बात बताएं क्या कि पॉलिटिकल एंगल लेना है तो फिर बैठ के बात करते हैं. बिकॉज़ ट्रस्ट मी, मेरे पास आजकल पॉलिटिकल बातें करते ही नहीं छोड़. और बताएं क्योंकि हमारी आवाम जो है ना, हमारी वेरी सीरियस नोट, जब लोग फन शोज भी देखते हैं ना तो उनकी आई एम गोना किल दीस गाइस. भाई हम सुन रहे हैं आपकी बात, हम इंटरेस्टेड हैं आपकी, क्योंकि आजकल ऐसी कोई बात करता नहीं है ना. हाँ जी, तो बात करना जरूरी है जब कोई सीरियस टॉपिक पे बात हो रही है. जिस तरह पॉलिटिकल मैटर्स, मुझे लगता है कि ये एक बहुत सीरियस इशू है. जोक्स अपार्ट, लेकिन जब कोई सीरियस सिलसिले में बात हो रही है उसका जवाब सीरियसली एड्रेस करना इसलिए जरूरी है क्योंकि वी कैन नॉट टेक दीज थिंग्स फॉर ग्रांटेड. और जहाँ पे आपने पेट्रोल की बात की या किसी और बहुत सारी और चीज़ें, महंगाई वैसे ओवरऑल बहुत बढ़ गई है और यकीन माने कि तंगी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है. मतलब कि अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, लेकिन हमारा मुल्क हील हो रहा है इस वक्त. आप लोगों को ये समझना पड़ेगा कि जब आपको एक कट लगता है उसके ऊपर बैंडेड करने से कुछ नहीं होगा. जब तक आप उसको सीके बंद नहीं करेंगे, उसको हीलिंग टाइम नहीं देंगे, तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते. दिस इज दैट हीलिंग टाइम फॉर द कंट्री. प्लीज बी पेशेंट, गिव इट सम टाइम. ये हमारा ही मुल्क है, इसको हमने ही आगे लेके जाना है. सेट पे लोग रोना शुरू हो गए. इतनी अच्छी स्पीच और पूरी बात करके रही है. अच्छा मैंने कल दुबई की फ्लाइट है मेरी, मैं तो वहां जाऊं. आप लोगों ने घबराना नहीं है. हां तो दुबई की फ्लाइट है तो क्या हो गया? ऐसी बोल रहा था. एक समय एक चीज होती है, दुबई नहीं जा सकती जस्ट बिकॉज़ आई लव पाकिस्तान सो मच. आप जाए, आपका मिस्टर उधर बैठा हुआ है, वहां से पॉकेट मनी भेज रहा है वो आपको. अच्छा ये बताएं, अजय बताएं, माहिरा खान या फिर महविश हयात? आप पॉलिटिकली जवाब नहीं दिया, सीरियस रह ले. आपने मुझसे पॉलिटिकल सवाल किया क्यों था? अगर आपको, हमने तो खाली आवाम, यू आर सेलिब्रिटी, आवाम इज सेलिब्रिटी. नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. अच्छा जी बताएं ना, माहिरा खान. माहिरा खान ठीक है. पुराना म्यूजिक या फिर नया म्यूजिक? पुराना. अच्छा ये बताए, दांतों में बोटी फंस जाए? ओफ अल्लाह, बोटी खाते लाइक अ मीट चिकन बॉल या बीफ? आजकल बीफ, आजकल बीफ. बोटी फंस जाए तो नाखून के कोने से निकाल लेती है या टूथपेस्ट यूज करते हैं या वो फ्लॉफ? फ्लॉफ. मेरा ब्रिटिश एक्सेंट है. अच्छा फ्लॉफ यूज करते हैं. अच्छा ये बताए कि खाना पकाना या खाना खाना? खाना. खाना खाना ऑब्वियसली. पकाना आता है वैसे आपको कुछ? कुछ चीजें जो आती है वो बहुत अच्छी आती है. बिरयानी में बहुत अच्छी बनाती हूँ, मटन स्टू में बहुत अच्छा बनाती हूँ, फेटुचिनी पास्ता. क्या बना रही है? स्टू नहीं भाई, मटन स्टू. स्टू उर्दू में क्या कहते हैं इसको? स्टू. नहीं नहीं उर्दू में क्या होता है? स्टू. आपने स्टू का सुना ही नहीं है? नहीं. एक मिनट, गोश्त का नाम है डिश का? भाई मटन है तो गोश्त होगा ना उसमें. वो जो ईद पे बहुत, मतलब जिसकी एक्साइटमेंट होती है, रन रन उसी का बनता है. लेकिन और भी बन सकता है, उसका बन जाता है. अच्छा ये बताएं, आई एम हंग्री सडनली. सडनली आजकल? आजकल हाँ, वैसे आजकल पता नहीं बाकी बहुत. जी जी पूछे पूछे. ये बताएं कौन होती है ना, कौन? हाँ होती है आइसक्रीम. खाई है कभी आपने? हाँ हाँ.
पूछ रहा हूँ आपको क्या लग रहा है मैं कल पैदा होकर आज इस सेट पे आ गई हूँ, जिंदगी नहीं थी मेरी। आइसक्रीम और उसमें उन्होंने कहा था कि आज मैंने गोला गंडा आइसक्रीम। अरे गोला गंडा भी खाया आपने? अच्छा तो ये बताए कौन जो है कौन ऐसे खा दिया? हाँ ये ऐसे खा दिया ऐसे वाला राउंड बना दिया गोला। हाँ, मुझे ना यार आप भी हमारी तरह चूड़ी है शेप हो ना। हाँ तो मैं तो आते साथ ही कहा था आपसे ज्यादा ही होंगी। अब आप आते साथ तो ये तो वेरी वेरी ऑनेस्ट मेरे साथ तो ऑनेस्ट गेस्ट नहीं आया होगा आपके शो पे। अच्छा नहीं ऐसी बात भी नहीं 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 मेरा ख्याल है। ये बताएं गोला गंडा डंडी वाला खाती चम्मच वाला? चम्मच वाला भी होता है? पुअर यू पुअर डिफेंस में चम्मच वाला मिलता है। पुअर पीपल्स आई नो। नहीं चम्मच वाला कभी पता नहीं होता है। असल में ये जानबूझ के आपके साथ ये कर रहे हैं क्योंकि इसको स्टू के बारे में नहीं पता। हां ये वाले सवाल कर रहे हैं ताकि आपको उस लेवल पे लाए कैसा चम्मच वाले वाकई बनता है। मैंने नहीं खाया लेकिन मैंने चम्मच से फ्रीजर के ऊपर से बर्फ तोड़ के बहुत खाई है। वो वाली नहीं खाई जाती भाई। आप आई कभी नहीं खाई क्या? वो नहीं खाई जाती में से जो हाँ वो खाने के लिए आई थी केमिकल। आई नो होती है लेकिन सट आ जाएगी आप नहीं आप पता शायद उसी का ही असर हो लेकिन यार ये तो बचपन में सबने भाई ये मत कीजिएगा। आपने स्वेटर पहन के डिफ्रीजर में रात नहीं गुजारी है क्या? स्वेटर पहन के डिफ्रीजर में बैठी हुई मैं मरी आई हूँ ऐसा तो नहीं है। As a matter of fact, हम लोग बचपन में घर घर खेल रहे थे। We have actually done it. के? तो हम लोग घर घर खेल रहे थे और घर घर में हम लोग बर्फीली पहाड़ियों में थे राइट और गर्मियां चल रही थी तो हमने बहुत सारे वो चीजें पहनी हुई थी स्वेटर वगैरह। तो हम लोग छत पे खेल रहे थे लाइट गई तो डर गए तो डर के नीचे आए तो अब समझ नहीं आ रही थी कहाँ जाए तो फिर फ्रीजर क्योंकि खोलने के बाद भी थोड़ी सी हवा निकल रही होती तो हम फिर सारे फ्रीजर में बैठ गए। फ्रीजर में बैठ गए बैठ क्यों जाएंगे खोल के भी तो सामने खड़ा हो सकता है। अच्छा हमारा फ्रीजर तो ये वाला है वो डीप फ्रीजर होता है। अमीर थे ना आप हम लोग शायद इतने अमीर नहीं थे। चलें ये बताएं कि फ्रेंड्स या फिर कोलीग्स? हाँ मेरे काफी सारे कोलीग्स भी फ्रेंड्स ही हैं सो सेम थिंग फ्रेंड्स। फ्रेंड्स ओके। अच्छा ये होता है दोस्तों का बाहर घूमना पसंद है या घर पे अकेले बैठ के चिलिंग करना? दोस्त तो नहीं चाहिए फिर तो कोई भी जगह आपके लिए बाहर भी बन सकती है सब कुछ हो सकता है। धर्मेश के लिए दोस्त कौन है क्या है कैसे? एक बहुत सच्ची बात बताऊं जी पीपल हु कैन बी देमसेल्व्स जो आर्टिफिशियल नहीं है प्रिटेंशियस नहीं है जो बिल्कुल वो है जो वो है बुरे भी हैं लेकिन वो हैं जो वो हैं तो आई वुड लव देम मोर देन एनीथिंग इन द वर्ल्ड। दोस्ती कर ले मैं लोगों को बहुत सच्ची बात बता रही हूँ मैं लोगों को बिल्कुल ना अपेरेंस पे ना बैकग्राउंड पे किसी चीज पे जज नहीं करती मैं करती हूँ दिल पे इंसान कैसा है ठीक है एतबार के लाइक। तो अगर मैं आपको मैसेज करूँ आई वॉन्ट टू आर फ्रेंडशिप आप कर लेंगे? आई वॉन्ट टू आर फ्रेंडशिप एक होना मैसेज पे मैं क्यों आपको भाव दूंगी कहीं हाँ। मिलना जरूरी है मुझे लगना जरूरी है कि कहीं कोई कनेक्शन आप मेरे साथ सेट पे काम कर रहे हैं ठीक है। लेट्स से यू आर लाइक द मोस्ट अनअट्रैक्टिव ज़लील सा आप मुझे चले यू हैव गिवन मी द वर्ड इनके अल्फाज यूज कर लेते हैं मैं कभी भी नहीं देखती कि कौन है क्या है। इफ दैट पर्सन इज नाइस एंड हम्बल मेरे से मतलब मैं पहला कदम बढ़ाती हूँ टू बी फ्रेंड्स विद दैट पर्सन। क्या बात है आप या मेरे सेट पे किसी से भी पूछ लें कॉल एनीवन एंड आस्क कि मैं हाउ एम आई विद पीपल या हाउ एम आई जनरली मैं आई एम वेरी वार्म एंड आई एम वेरी वेलकमिंग सिर्फ ट्रूनेस। कभी कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि किसी ने कहा कि आपका पहला इंप्रेशन तो बड़ा ऐसा था लेकिन आपको जान के पता चला कि आप ऐसी नहीं है? सबने मेरे सबसे अच्छे दोस्त मेरे कॉलीग्स इंडस्ट्री में काम करने वाले सब लोगों ने कि क्या कहा कि पहला इंप्रेशन कैसा था कि मैं बहुत अनअप्रोचेबल लगती हूँ लेकिन वंस दे गेट टू नो मी या हमारी दोस्ती हो जाती है या वो मेरे साथ काम करते हैं मुझे देखते हैं तो फिर उनको पता चलता है कि मैं अरे नहीं ऐसा नहीं। वंडरफुल ठीक है जी अब आखिरी दो सवाल होता है जरूरत पड़े तो Okay. वो मैं कोशिश करती हूँ कि ना ही पड़े। ना हो ठीक है जी आखिरी दो सवालों का वक्त एक सवाल आदि करेंगे एक मैं करूंगा आपने जरा सोच समझ के जवाब देना क्योंकि थोड़े से सीरियस क्वेश्चन हैं। जी आदि भाई अब ये फिर और सीरियस क्वेश्चन तो वैसे मैं इतना अच्छा जवाब देती हूँ जो आज सवाल बना के आया हूँ वो इत्तेफाक की बात है कि वो पॉलिटिकली ही सवाल है लेकिन उसका जवाब एक वर्ड में। अरे वाह क्या बात है बस अच्छा इससे पहले मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ किसी जवाब को सीरियस ना लेगा क्योंकि मैं हर जवाब को जब तक प्रॉपरली एक्सप्लेन ना करूँ वो काउंट नहीं होता। मजे की बात ये है कि ये वाला पार्ट हम एडिट करके डिलीट कर देंगे तो ये जो सवाल मैंने बनाई ये पॉलिटिकली इसलिए पूछना काइंड ऑफ पावर यू गाइस हैव पॉलिटिकली इसलिए पूछना चाहता हूँ मैं क्योंकि आप पाकिस्तान मुझे लग रहा है मेरी सर्जरी शुरू होने वाली है। हां ऐसे ही है क्योंकि सीरियस है ना सवाल सीरियस सवाल। अच्छा तो मैंने ये सवाल बनाया इसलिए क्योंकि आप पाकिस्तान में भी रहती हैं और दुबई में भी रहती हैं आप एक लड़की भी हैं एक बेटी भी हैं और एक एक्ट्रेस भी हैं पाकिस्तानी भी हैं तो आपका जो जवाब होगा ना वो हमारी सारी नई जनरेशन
को समझाएगा। और एक लफ्ज में होना चाहिए वो। हाँ, मैं आपको ऑप्शन भी दूंगा। ऑप्शन चूज कर रहे हैं, सोच समझ के जवाब दीगा। टीवी पे एक बार चलेगा, इंटरनेट पे हमेशा रहेगा। तो मुझे ये बताएं कि जर्नेश को क्या लगता है कि एज अ पाकिस्तानी, एज अ डॉटर, एज अ सिस्टर, एज अ वाइफ, इन दोनों में से ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है? किन दोनों में से बताएंगे? अच्छा, जो आपने चूज करनी है प्लीज। मुझे पता है कि बड़ा ऑकवर्ड सा सवाल है किसी खातून से करना, लेकिन आपको बता रहा हूं। अब मेरा ना हार्ट अटैक आ जाएगा पूछ ले क्या है ये। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि एक बार हमने बताया नहीं था, तो वो जो गेस्ट है ना बहुत अजीब से हो गए थे। तो मैंने उनको बोला कि हम चाहते हैं कि हम इंफोटेनमेंट भी दें इंटरटेनमेंट का। जी जी, मुझे बताया कि जर्नेश को इन दोनों में से क्या लगता है ज्यादा बेहतर चीज कौन सी है, नाड़े वाली शलवार या इलास्टिक वाली शलवार? हुआ आप लोगों का जी ओके आजकल नाड़ा इज लाइक वेरी कंफर्टेबल, मैंने कभी नहीं पहना, बट पहना क्या, आई डोंट नो, लड़कियां पहनती थोड़ी है कोई पहनती इधर ने नाड़ा लगा के डग 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 पहना क्या मतलब दूसरा सवाल जिसका आपने बड़ा इजी से जवाब देना है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है, आदि या फैजान? ये आखिरी सवाल है और जस्टिफिकेशन नहीं है, बस नाम लेना। हाँ, वो मैंने बता स्कोर में ऐड हो जाएगा। आप में से आदि कौन है, फैजान कौन? लानत 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 मारो, लानत मारो। अच्छा चले भाई, चले चले भाई। अच्छा ये मैंने शुगल में कहा है, मुझे पता है येलो इज फैजान एंड ब्लैक इज आदि, ये निशानी रखी हुई हमारी येलो इज फैजान ब्लैक इज आदि। और मजाक बोले कि मैं तो बिल्कुल कलर ब्लाइंड हूं। नहीं नहीं, मैंने मजाक ही कहा था। मुझे ऐसे लगता है that, लगता नहीं जवाब, no justice, I don't know you well enough to say कि कौन yeah, है, that's the point, but na? let's just say जिसकी तरफ मेरी उंगली है, है? फैजान आपने देखा नहीं कि मेरे पीछे ही खड़ा था जानबूझ के, क्योंकि उसको लगा कि मैंने तुझे कहा था ना, मैं सेंटर में थी उंगली, मैंने तुम्हें कहा था ना बाहर के लोग हम दोनों का अलग अलग करेंगे, लेकिन मैं तेरे हमेशा पीछे खड़ा रहूंगा। गुड यार आदि, आप लोगों का प्यार देख के मुझे राम और सागर की वो कोई बात नहीं। वेल डन, वेरी वेल प्लेड, बहुत अच्छे जवाब दिए आपने। ब्रेक पे जाने से पहले काशी भाई आप हमें क्या सुनाएंगे? काशी भाई हमारे सिंगर हैं जी जी, एक बनी भाई का सॉन्ग है जो बनी भाई का करेंगे हम। मेरा फेवरेट गाना है तेरी ये शोफदाएं सताए क्यों मुझे, तेरी आंखों के सपने जगाए क्यों मुझे, हो जाऊंगा दीवाना यूं देखो तो नहीं, आ चल यूं गिरा तड़पाओ तो नहीं। कहती है दिल थाम लो, होठों से तू मेरे अभी चाहत का पैगाम लो, आँखों में है जो मस्तियाँ कहती है दिल थाम लो, होठों से तू मेरे अभी चाहत का पैगाम लो, ये नशीली हवा जो तुम्हें छू गई मेरी हर सांस में बज गई, मिलेंगे जाना तुमसे जमाना जो कहे, तुम प्यार बन गई हो अब दूरी ना रहे, हो जाऊंगा दीवाना क्यों देखो तो नहीं, आ जाओ के राहो तड़पाओ तो नहीं। आप देख रहे हैं तो मजेदार शो, मेरे साथ मौजूद है आदि दिलमजद, उनके साथ मौजूद है जर्नेश खान, और हम खेलने लगे एक्सप्लेन योरसेल्फ। मजेदार 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 मजेदार
आपकी कुछ पिक्चर्स हैं, हम आपको दिखाएंगे, आपने एक्सप्लेन करना है अगर आपको याद है कब कहाँ कैसे की तस्वीरें हैं ये। अच्छा। लाइए जी पहली तस्वीर, जरा दिखाइए हमें। अरे वाह, कहाँ की तस्वीर, कुछ याद है आपको? ये आई थिंक मैरियट है और मेरे कमर्शियल की शूट थी और मैं तैयार होने से पहले चाय पी रही थी। हाँ मैं थी, निहायत ही अखी भी थी और एक्स्ट्रा आवर्स, एक्चुअली 3 दिन का शूट था और मैं इस दिन सुबह 6 बजे आई थी और आई थिंक अबाउट 9 o'clock मुझे दोबारा जाना था। फिर तो बनता है। सड़ी भी बैठी हुई हूँ। उसके हिसाब से तो बहुत बेहतर लग रही है। ये तस्वीर खींची किसने? आई थिंक मेरे मैनेजर। ओके, अगली तस्वीर। वाह वाह जी वाह। ये मैं थी मालदीव में के श्रीलंका में। अच्छा, ये मैनेजर को बताया श्रीलंका। अच्छा हाँ, ये मैं श्रीलंका में थी, मैंने स्कूबा डाइविंग काफी दफा किया और ड्रेस भी समवट एक जैसे ही था तो मुझे कलर नहीं याद। अच्छा, ये आई थिंक मैं श्रीलंका में थी और ये मैं अभी डीप सी डाइव करके निकली थी बाहर। और ये किसने की जी? मेरे मियाऊ। मियाऊ ने की। बिल्ली साथ थी आपके? हाँ जी। अगली बहुत खूबसूरत, मेरे दिल के बहुत करीब। ओए ओए ओए, ये बहुत सस्ती हेलोवीन की तैयारी। मैं बाकू में थी और हम लोग क्या नाम है मॉर्टल कॉम्बैट की बात कर रहे थे एंड सडनली जुनेद वाज लाइक यार एक वो आया है फिल्टर जो बिल्कुल हाँ वैसा लगता है एंड देन आई टुक दिस पिक्चर एंड आई वाज लाइक आई एक्चुअली लुक लाइक वन ऑफ द कैरेक्टर्स फ्रॉम मॉर्टल कॉम्बैट। यस, आगे चलें जी। वाह जी, ये मैं जिंदगी से हार गई थी, मरना चाह रही थी। बिल्कुल नहीं लग रहा मुझे तैयार हो गए। हाँ, जितनी आप तैयार हुई बिल्कुल नहीं लग रहा आप जिंदगी से हार रही हैं। तो मैं चाहती हूँ दुनिया से खूबसूरती से जाया जाए इंसान, जरूरी है कि मैं उसके लिए ट्रेन की पटरी पे नहीं जाएगा इंसान। अच्छा, ये मैं थी, ये भी श्रीलंका में थी। ओके, और ये 9 Arc ब्रिज था वहाँ पे, उस पटरी पे मुझे लगा की मुझे एक आइकॉनिक पिक्चर लेनी चाहिए। किसने की जी? मेरे मियाँ। अच्छा, वो ये काम अच्छे, कर रहे। बड़े अच्छे फोटोग्राफी स्किल्स हैं। ऐसा ट्रेन कर दी ना मैंने अब। ट्रेन कर दिया आपने। वेरी गुड, वेरी नाइस। आगे चलें, कुछ नहीं हुआ। अरे वाह, अरे वाह, ये मेकअप हटा हुआ है, क्या हुआ है? हाँ, मेकअप हटा हुआ है। दिस इज लाइक हाउ आई लुक विदाउट मेकअप। ये हम लोग स्टेशन पे गए हुए थे और कितनी पुरानी तस्वीर है वैसे? तो बहुत पुरानी, साल डेट। Really? लग रही हैं आप, इफ आई मे से, आप मावरा जैसी लग रही है मुझे इधर कुछ। हैं वाकई? वाकई मुझे पहली दफा, मुझे ऐसे पहले लगा मावरा, मैंने नहीं कहा। हाँ, मुझे ऐसा लगा कि आप मावरा लग रही। नहीं नहीं, मतलब फेस कट आपका वैसा लगा। नहीं, मावरा इज वेरी ब्यूटीफुल। तो हमने कहा कि आप ब्यूटीफुल हैं। दिल की बात है, आप हमारे ही। आई एम पुटिंग योर स्पॉट। अच्छा, सो ये मैं स्टेकेशन पे गई हुई थी। कहाँ गई थी? स्टेकेशन पे। ओके, कौन है ये साहब? स्टेकेशन क्या है ये? आप आगे चले। मैं नहीं, नहीं। तो कभी कभी मेरे और मेरे मियाँ का जब हमारे पास वीकेंड या लॉन्ग वीकेंड आ जाते तो हम दुबई में ही कहीं आसपास किसी अच्छे से होटल में जाते हैं, एक लेजी वीकेंड गुजारते हैं। स्टेकेशन कहते हैं। यस, तो ये बहुत ही गरीब हो यार। मैं दुबई में जिनको मैक्सिमम जानता हूँ उनकी 3,000 dirham तनख्वाह है, तो मुझे स्टेकेशन बनता ही नहीं है दुबई जाना। चले, तो ये बस मास्क, चारकोल मास्क, मेरा देवर मेरे साथ था, वो उसने गिफ्ट लेकर आया था, नहीं लाइक यूज इट यूज इट यूज इट, तो मैंने कर दिया। ये तस्वीर किसने की जी? या आई थिंक मेरे देवर ने खींची है। क्या उन्होंने कहा मैं? आपने पूरे खानदान को इसी काम पे लगाया हुआ है? वो वेडिंग फोटोग्राफी शुरू कर दी। सब पक्के हो गए तस्वीरों में। आपके वैसे हस्बैंड करते क्या है? काम करते हैं, जीने के लिए सब करते हैं। मुझे लग रहा है बोलेगी फोटोग्राफी करते हैं। अच्छा, पता है ये वैसे ये बात मैं एड्रेस इसलिए करना चाहूंगी, मैं इतनी फिनिकी हूँ नहीं। खेचली खेचली मैं जब एक मोमेंट में होती हूँ ना, दोस्तों के साथ हूँ या बाहर अपने हस्बैंड के साथ हूँ या अपनी फैमिली के साथ हूँ, मैं आई मेक श्योर कि उनको ये ना लगे कि अब ये कोई अदाकारा हमारे साथ आ गई है जिसकी जिंदगी में। तो मैं खाने के टाइम पे खाना अपने अब्बा, मेरे तो पापा ना इतने, उनको तो गुस्सा आ जाता है, सिर्फ मेरे पे नहीं, कोई भी अगर वो बैठे हैं और आप अपने फोन में लग गए हैं तो इट्स लाइक फिर मैं उठ के जा रहा हूँ। सही करते। तो हमारा रूल है कि व्हेन आई एम विद माय फ्रेंड्स एंड फैमिली उस वक्त को एंजॉय करो यार, ठीक है एक दो बना ली हो गया फिर, लेकिन उस वक्त को भी एंजॉय करना ठीक है। सही है, आगे चलें। मास्क, अरे वाह, अरे वाह। अच्छा, यहाँ बिल्कुल ही डिफरेंट लग रही है। बाउट फेस, ये नहीं मुझे पता क्या दुबई में कहीं, पता नहीं मैं गाड़ी में, ये तो सेल्फी है। हाँ सेल्फी है, ऐसी बोर्ड सेल्फी है, रैंडम बोर्ड रैंडम सेल्फी। आगे चलें। ये जिब्रान भाई कह रही है कि तुमने क्यों किया मेरे साथ ऐसे। ये एक मेरा ड्रामा आ रहा है बहुत जल्दी एतबार, यही वो स्क्रिप्ट है जिसने मुझे दोबारा काम करने पे मजबूर कर दिया। वाह, और ये इस ड्रामे का बहुत इंटेंस सीन था, जबरदस्त। और ये बस एक रैंडमली पिक्चर ली थी, पता है ये पिक्चर क्यों ली थी? क्यों ली?
मुझे बताने के लिए कि आपके बालों का रंग डिफरेंट आ रहा है। तो फिर आपने क्या किया जब बालों का रंग डिफरेंट आ रहा है? बदल देते हैं, अगले दिन बदल दिए। अगले दिन बदल दिया, मसला नहीं आपको भाई, मैंने करा लिया, छोड़े मैनेज कर लिया। काम है मेरा भी है, उनका भी है। तो ये तस्वीर किसे खींची? किसी ने खींची होगी सेट पे। अच्छा, ये इसमें किसी है? हाँ, कंटिन्यूटी मैनेजर भी होते हैं, वो खींच लेते हैं तस्वीरें। वो खींच रहे होंगे, एडी वगैरह खींच लेते हैं। किसी ने भेजी थी मुझे वहीं से, एडिट पे से। सही है। और ये जिब्रान भी क्यों इसमें इतने परेशान है? क्योंकि उनके साथ बड़ा सख्त हैंड हुआ। अच्छा, ये हैंड हुआ उनके साथ? ठीक है, हाँ, काफी नादिम लग रहे हैं इस वक्त वो बेचारे। हाँ जी, आगे चले। ये तो कहीं से बोर्ड सेल्फी नहीं है, ये बहुत ये मैं अपने फैन से पूछ रही थी कि मेरा अगला ड्रामा साइन करने से पहले मैंने ये पिक्चर खींची थी। मैंने कहा था कि मेरे पे काजल सूट करता है कि नहीं, अगर करता है तो फिर मैं अपनी लुक वैसे क्या, क्या वोटिंग हुई? उन्होंने 90% बोला कि सूट करता है, लेकिन फिर भी मैंने यूज किया। यार कितनी गलत बात है। अभी आप कह रही थी मैं फैंस की सुनती हूं। हुआ क्या, मैं सेट पे गई पूरा प्रिपेयर करके, पहले बात हुई भी थी हमारी, हम ऐसी लुक रखेंगे। सेट पे गई तो उन्होंने बोला कि नहीं रखेंगे, सूट कर रहा काजल, नहीं 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 कैरेक्टर को नहीं, कैरेक्टर पे ये वाली चीज नहीं ऐसी अच्छी लगेगी। तो मैंने कहा ओके, कोई बात नहीं। लेकिन फैंस जी आपका शुक्रिया, आपने बोला, लेकिन मैंने आपका आगे कहीं ना कहीं, हाँ, पूरी कोशिश की थी। हाँ, आगे अगली तस्वीर है हमारे पास। अरे वाह, ये मैं व्लॉग बनाने के लिए निकली थी, फूड व्लॉग। इस दिन मैंने 18 बर्गर खाए। व्हाट? पूरे पूरे नहीं, एक दो बाइट कर करके। एक दो बाइट करके भी अगर आप 18 बर्गर खाएं तो कम से कम 8 या 9 तो हो ही जाते हैं। तो हाँ, हो गए थे। और मुझे उल्टी आ रही थी, जो लास्ट मैंने बर्गर किया था ना, मेरा तो दिल कर रहा था मैं वही खुशी कर लूं, लेकिन ब्लॉग कंप्लीट किया था। और वो बेचारे, अच्छा, उन्होंने जो लास्ट में जा गई ना, तो उन्होंने ना कॉम्प्लीमेंट्री 50,000 चीजें भेज दी। ठीक है, मैंने सिर्फ बर्गर का ब्लॉग बनाना था, उन्होंने 50,000 भेज दी। और मेरा, और I was like, इधर तक भरा हुआ था मेरा, देख के भी कुछ होने लगा। वहाँ हो रहा था मुझे, लेकिन बहन ने आपकी बहुत अच्छा पुल ऑफ किया, जाके ब्लॉग देखे। तो ये बताइए, जो फूड ब्लॉगर्स होते हैं सारे, ये जब भी कोई चीज चखते हैं, इनको ज्यादा मजा क्यों आता है? ये करके यूं करते हैं, असली नॉर्मल जिंदगी में तो ऐसा कुछ नहीं मजा आता। मैं नॉर्मल जिंदगी में भी खासी ड्रामेटिक इंसान हूँ। अच्छा, मतलब हाँ, मैं खा रही हूँ और मजा आया है तो बहुत ही आ गया ना, मतलब साथ बैठा बंदा कहेगा इसको क्या हो रहा है। और हमें तो नहीं आ रहा था, हमने भी बर्गर खाया, हमने भी वही खाया। तो मैं बड़ी एक्सप्रेसिव हूँ, तो चाहे वो खाना पीना हो या वैसे मैं खुश हूँ, तो मेरी खुशी पूरी दुनिया को पता चल जाएगी, मेरा गम भी। तो आप जरा फर्ज करें, अब आपने ये चाय पी है तो आजकल ना मेरा एक पता नहीं आदत कहाँ से मैंने साल से पिक की हुई है, The return of आजकल। हाँ जी। मुझे ना चीख निकल आती है मेरी फॉरन, जैसे अभी वो माइक फिक्स करते तो निकल गई थी। अच्छा, मुझे लगा काश मैं देख। तो मैं तो वो मेरा आजकल कुछ भी होता है ना अनएक्सपेक्टेड, तो मैं तो वो एवरीबॉडी ऑन द सेट इज लाइक क्या हुआ जर्नी शू ओके, एंड आई एम लाइक नहीं नहीं वो ये गुम गया था, वो गिर गया था, एंड देयर लाइक आप चीख मार देती हैं। मेरी निकल आती है आजकल, पता नहीं क्यों सडनली, आई डोंट नो, आई जस्ट, अभी नई नई अपडेट आएगी तो ठीक हो जाएंगी। वो आपके पड़ोसी अजीब से हो गए होंगे। इतनी भी नहीं ड्रामेटिक होती, बस इतनी की हो जाएगी। बस इतनी जितनी यहाँ पे थी। इट्स अ न्यू थिंग आई पिक्ड अप, पता नहीं कहाँ से। ठीक है, चलो, ये हमारे पास आखिरी पिक्चर थी। अब हम आपके साथ खेलेंगे जी उर्दू मीडियम। मजेदार 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 मजेदार। उर्दू की वोकैबुलरी कैसी है आपकी? जब मैं छोटी थी तो मुझे इंटरेस्ट नहीं था, अब बड़ी हूँ तो सोशल मीडिया के थ्रू सब पता चल जाता है, तो इतना जरूरत नहीं पड़ती। ओके, ठीक है जी। पहला जो वर्ड है आपके लिए वो है शिशोपंच। कंफ्यूजन। शशोपंच, हाँ जी, ठीक है, कंफ्यूजन सही है। इसको अगर आप, मैं आपसे कहूँ जुमले में इस्तेमाल करें, इस शो पे आने से पहले मैं शशोपंच में थी। ओए होए, क्या मतलब हुआ? मैं शो पे आने से पहले कंफ्यूज थी कि आऊं या ना आऊं। कंफ्यूज क्यों थी आप? फिकर और अंदेशा के। आपने कहा था सेंटेंस यूज करने, डिस्क्रिप्शन की बात थी तुम्हारे दिमाग में। फिर भी इसका क्या बाकी आप शशोपंच में थी? मैं सिर्फ सेंटेंस बनाया, मुझे क्यों शशोपंच हो जाएगी? मुझे क्यों शशोपंच? शशोपंच, ठीक है जी। मेहताब। क्या मेहताब? क्या मुझे ऐसा लगा आपका नाम मेहताब है। सरनेम होता है मेहता? नहीं, मेहताब। अच्छा, सॉरी, मेहताब सूरज को कहते हैं। हाँ जी, अरे बिल्कुल गलत कहा आपने। ओफ, मैं गलत बताया। चीख मारे, चीख मारे, चीख मारे। हेलो, आपने गलत बताया। रियली? अब फिर से चीख मारे, फिर से चीख मारे। यहाँ पे आप लोग मारे ना, इसीलिए मैं आपने कहा था। अच्छा, एक सेकंड, मैं बताती, प्लीज, आई विल गेट इट राइट। मेहताब, वो गाना था ना किशोर का, मेहताब हो तुम, तो क्या चांद गाने में तो उस लड़की का नाम मेहताब। चांद, चांद की रोशनी या चांद की रोशनी। ठीक है, तो अगर जुमले में इस्तेमाल करें,
आपका मेहताब सा चेहरा बहुत और भी रोशन लग रहा है आज. मेहताब सा चेहरा और भी रोशन लग रहा है. बिल्कुल वाइट, बिल्कुल ही ना वाइट बैलेंस खराब कर दिया. आई एम लाइक ठीक है, कोई बात नहीं. मुतज़लज़ल, ये तो अब बदतमीजी है. नहीं बिल्कुल भी नहीं. चार साल के मुतज़लज़ल में फेल हो. एक सेकंड है ना. वो मुसलसल होता है. मुसलसल होता है. एक सेकंड है रे, दोबारा बताएं. मुतज़लज़ल नहीं कर रहे ना. मुतज़लज़ल मुस्तकिल का दूसरा वर्ड है ये, मतलब कांस्टेंट. कोशिश अच्छी थी आपकी. एक मिनट है. मुतज़लज़ल यार पढ़ा तो ये है स्क्रिप्ट में. हाँ बहुत दफा आता है. अब अल्लाह कभी 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 अदिति जिंदगी में कोई कोई अपना लगता है. कभी कभी आदि हो गया. अब मैं जवाब दूं. अच्छा एक लास्ट ट्राई. लास्ट ट्राई टोकन. मुतज़लज़ल यार ये मैंने कहीं मैंने बोला भी है. अच्छा अभी तो बोला थोड़ी देर पहले आपने. हाँ ना. आबेल मुझे मार. नहीं सब कैसे छोड़े मैं बताता हूँ. सुनिए ये शो आज मंगाने वाला वाला ठीक है. उसको जुमले में इस्तेमाल करें. सुना है आप बहुत कम गो हैं. नहीं मैं कहा, मैं तो पूरा शो कर रहा हूँ. अच्छा जी गर्दिश अय्याम. तुम देखना आज जो तुम कर रहे हो ना कल गर्दिशी अय्याम तुम्हारा साथ यही होगा. आप एक तो जो मेरा सारा खराब कर देते हैं. आ गए थे तो गर्दिशी अय्याम. गर्दिश कहते हैं मूवमेंट को. अय्याम आजकल की मूवमेंट है. इसमें भी आजकल डाल दो. इसमें टाइटैनिक वाला बनता है. कम बैक इसमें भी आजकल डाल दो ये चल जाएगा. अच्छा गर्दिश तो आप मूवमेंट को कहते हैं ना. ठीक है क्या इस बात से रिलेटेड ही कुछ मैं सोच सकती हूँ आगे. नहीं यार आपने बहुत ज्यादा गर्दिश क्या होती है. सूरज की गर्दिश. नहीं गर्दिश नहीं होती. गर्दिश यही होती है. गर्दिश अपनी सराउंडिंग. जी नहीं गर्दिश इज लाइक मूवमेंट. मूवमेंट इट्स लाइक वो गर्दिश कर रहा है. भाई ये सवाल इनसे हो रहा है. वो आप टेंशन ना लो. अच्छा आप मुझसे खाली गर्दिश पूछ लेना. दूसरा वाला नहीं. अच्छा खाली गर्दिश तो ये ना गर्दिश है. याम का मतलब जमाने की चाल. मुझे पता क्या जमाने की चाल. मर के ये तो आप मुझसे वो पूछने लग गए मुहावरे. मैं आपको बताता हूँ मुहावरे कहाँ से हो गए भाई. गर्दिश क्या होता है. क्या गर्दिश यही. जर्नेश अगर गिर जाए तो गर्दिश. नहीं बहुत बुरा था. कोई बात नहीं. मैं माफ. अच्छा जी आप दोनों से आखिरी दोनों से joke will haunt me for the rest of my life. कि मैंने क्यों आंख कही. मैं क्यों क्यों ये सवाल आया. आप शशोपंच में सही थी. आप है ना. आप बोले कि मैं थी शशोपंच में. आप बोले मैं थी. कोई बात नहीं. फर्जंदे अर्जुमन. हां हां फर्जंदे अंजुमन आई तो दाल चावल बना लेंगे. अंजुमन नहीं फर्जंदे अर्जुमन. फर्जंदे अर्जुमन आया तो मैं दाल चावल पका लूं. आपको आना है बार बार. अंजुमन क्या हुआ. अच्छा जुमला सही है. जो मुझे लग रहा है वो मैं कह रही हूं. मैंने सही जुमला बोल दिया. कहीं कहीं मैंने बोल भी दिया सही जुमला. सुना दिया पूरा. आई थिंक गिर गए. जो मैनेजर आए ना वो पीछे क्यों कर रहे हैं. अल्लाह के वास्ते जो दिमाग में वो मत बोलिएगा. बताएं जी बताएं. वो गाना नहीं था इस अंजुमन में आपको आना है बार बार. नहीं नहीं प्लीज बिल्कुल भी नहीं. बहुत आप बिल्कुल यकीन करें इसी भी करीब नहीं है. तो बहुत मुश्किल है. ये नहीं मैंने फर्जंदे अर्जुमन पता नहीं. ये मेरा मैं आपको मिसाल देता हूँ. ये मेरा फर्जंदे अर्जुमन है. It could mean anything at this point. तभी इतना वेग तभी इतनी वेग बात की मैंने. मेरा फर्जंदे अर्जुमन स्कूल में. मेरा फर्जंदे अर्जुमन मेरा शौहर है. नहीं 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 बिल्कुल नहीं. नहीं 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 बिल्कुल. आई थॉट पार्टनर्स. नहीं पार्टनर्स नहीं. नहीं मैं आपको मजीद बेहतर जुमला बताता हूँ. उसमें आपकी ज्यादा हेल्प हो जाएगी. मेरा फर्जंद अर्जुमन आज ही बड़े अच्छे नंबरों से पास हुआ. मेरा बेटा क्लासमेट. ये आपकी क्लासमेट. मेरा बेटा. मेरा दोस्त जीत गया. मेरा लायक बेटा. फर्जंद अर्जुमन कहते हैं लायक बेटा. फर्जंद बेसिकली बेटे को कहते हैं ना. अच्छा जी बिल्कुल भी नहीं पता. शायरा बनने जो ये लफ्ज आप मुझसे पूछ रहे थे ये पता मेरे ड्रामों के हमारी बेसिकली कोशिश ही होती है. फर्ज अंजुमन कहां यूज करूंगी मैं. कभी कोई आपका पीरियड ड्रामा आके फिर क्या करेंगी आप. तब आपके पास आऊंगी मैं. कैसा. नहीं मेरे पास ना आइए. नहीं मैं आऊंगी. मैं कहूंगी यार कौन सी लुगत से लफ्ज अल्फाज निकाले थे. हमारी कोशिश ही होती है कि ये अल्फाज नए लोगों को पता हो. वैसे आपको मेरी ना पता थे इसके मतलब. मुझे पता अभी आज कार्ड पढ़ के पता चला. नहीं असल में कार्ड बनाता मैं यू ना इस वजह से. कोई बात नहीं इट्स ओके. अच्छा तो वेल डन. अब हम एक मौका आपको ये देंगे कि हम आपको दुनिया के तमाम पैसे दे रहे हैं.
दुनिया के सारे पैसे आपके पास हैं और आपने एक फिल्म बनानी है, ठीक है, उसकी कास्टिंग हम करेंगे, 6 कैरेक्टर्स आपने कास्टिंग करनी है, डायरेक्टर बताना है, राइटर बताना है और सब कुछ। तो आदि भाई आपने कुछ आज वर्ड ही नहीं पूछा उर्दू वाले यार, वो नहीं बता पाएंगे, नहीं बता मुश्किल, मैं आपको बताएं। अच्छा आदि के तो फिर मुझसे भी नेक्स्ट लेवल होते हैं, पूछें दो वर्ड, चलो दो वर्ड, पहला वर्ड आसान दूसरा मुश्किल। हाँ सलारी, ये आसान है, ये तो बहुत नहीं, ये उन दोनों सलार आपने सुना होगा, सलार सलार, हाँ वो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के लोगों कहते हैं सलारी, सलारी सलारी, एक मिनट ना आप मुझे प्रेशर ना डालें, आप दो मिनट लें क्योंकि मुझे पता है मैं इसलिए तैयार हूँ, आप बताएंगे तो मैं बताऊंगा फिर जुमले में इस्तेमाल। अच्छा मैं आपको हिंट दूं, हिंट दूं, हाँ इस वर्ड में ही इसका मायने है, वर्ड में, हाँ वो तो सालार तो पता है उनको, सालार तो पता है, सालार को जो भी हो, मेरा वर्ड है सालारी, सालारी मजबूत मजबूत, अच्छा आई गिव अप, इट्स वेरी डटा हुआ, डटा हुआ, हाँ डटा हुआ, ये इंसान बहुत ही सालारी नेचर का है, नेचर का है सालारी, ओके गुड, आसान यार थोड़ा आसान, आप प्लीज ना अभी तो लेवल पता चल ही गया होगा, थोड़ा नीचे, हाँ थोड़ा इजी, हाँ थोड़ा इजी वाला, थोड़ा इजी वाला, हाँ हाथ पे लिखा हुआ है, नहीं नहीं इजी वाला सोच रहा, अच्छा दिल और रश्त, इतना आसान है दिल और रश्त, दिल तो आधा तो बता ही दिया तुमने, हार्ट ब्रोकन, आर यू श्योर, नो आई थिंक सो, इसको जुमले में इस्तेमाल करिए कीजिए, दिल और आप लोगों के ऐसे अल्फाज सुन के मुझे दिल और रश्त, दिल और रश्त हो गया नहीं, अब जब मैं आपको इसका मायने बताऊंगा तो आप कहेंगे वाला पार्ट एडिट कर दीजिए, हां दिल और रश्त नहीं हो सकता, बहुत अजीब सा, आपने सुना ये वर्ड कहीं सुना है दिलो रश्त या सालारी, नहीं आपने सुना है कभी ये वर्ड, नहीं ना कैरी नहीं सुना भाई, वो इसलिए क्योंकि मैं आपको बताऊं आप दुबई में रहती हैं और ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं और मैं आप उससे भी ज्यादा मजेदार बताऊं कि सालारी भी कोई वर्ड नहीं है, लाइक राजुलाइजेशन, एग्जैक्टली ये बिल्कुल है, लेकिन चलो अच्छा जी उस वाले सेगमेंट पे आते हैं, आपको बहुत सारे पैसे दे दिए आपने एक फिल्म बनानी जल्दी से, उसी की आप प्रोड्यूसर हैं, आप किसी को भी कहीं से भी बुला सकती हैं, 6 कैरेक्टर्स हैं, आदि भाई बताएंगे 6 कैरेक्टर्स कौन कौन से, आदि भाई बताइए, एक एक्ट्रेस, एक एक्ट्रेस अपने, एक हीरोइन, दो हीरोइन यार, नहीं भाई आज अलग, अच्छा एक हीरोइन, एक हीरोइन, दो हीरोइन क्या मतलब है, नहीं नहीं प्लीज डिलीट, एक हीरोइन, तीन हीरो, ओए होए होए होए, चार लोग हो गए, हाँ दो विलन, अरे वाह 6 लोग, चलिए जी 6 लोग की कास्टिंग करेंगे आप, अच्छा और ये बताएं कि कहीं से भी, कहीं से भी कोई भी, दुनिया का तमाम पैसे, बजट के कोई मसाइल नहीं है, तो हीरोज तो सुने पहले, हाँ बजट के मसाइल नहीं है कोई, तीन हीरोज, क्रिस हेम्सवर्थ, अरे वाह वाह, क्रिस हेम्सवर्थ आ गए पाकिस्तानी फिल्म में, ब्रैडली कूपर, ब्रैडली कूपर, और द थर्ड वन, दिस कुड टेक अ व्हाइल, कोई पाकिस्तानी, पाकिस्तानी फारिग है सब, कोई पाकिस्तानी को कास्ट नहीं करने वाली, कोई लाइक नहीं, आपने कह दिया लाइक सारे बहुत हैं, लेकिन मेरी मूवी है, आप लोग क्यों इतना बीच में टांग अड़ा रहे हैं, लेट मी डिसाइड, क्योंकि हम अपने मुल्क के लिए और उसके एक्टर्स के लिए स्टैंड ले रहे हैं, मंगालिया रास्ते में मेरी बड़ी बन गई है, बन जानी नहीं नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं, क्रिस हेम्सवर्थ और उसके बाद ब्रैडली कूपर, बहुत अच्छा सा क्रिस एवंस इज आल्सो नाइस, बस नहीं नहीं दो क्रिस एक मैदान में नहीं, मेरी मूवी है रहे भाई, रहे दो मिनट हुए नहीं है, पैसे दिए गरूर में आ गई, हाँ क्रिस हेम्सवर्थ, हाँ तो ये तो होता है, ब्रैडली कूपर और क्रिस एवंस और उसके बाद हीरोइन कौन है, और हीरोइन तो मैं ही हूँ, अच्छा हीरो नहीं सुने आपने, ये होता कंजूस प्रोड्यूसर, नहीं नहीं हीरोज की लिस्ट ही सुनी आपने, हीरोइन तो मुझे ही होना होगा, ठीक है अच्छा, दो विलन, बूमन ईरानी, ओके एक और नवाजुद्दीन, ठीक है जी, फिल्म का नाम क्या होगा, और आपको बताओ इस फिल्म में जो हीरोइन है ना वो पहले सीन में ही मर जाती है, तो आपकी सिर्फ तस्वीर लगेगी, लेकिन वो पहला सीन एपिक होना चाहिए, सीन नहीं है 15 मिनट का सीन लिए होना ये चाहिए, देखे, ये तीन लड़के लड़ाई करते हैं, ये देखिए कैमरा खुला पिक्चर, ये मेरी मूवी है ना, ये मेरी मूवी है, पैसा मैं लगा रही हूँ, मैं डिसाइड करूंगी, फ्रेम खुला, फ्रेम खुला ऊपर फ्रेम आया उसमें ब्रैडली कूपर कह रहा है कितनी अच्छी थी ये स्टोरी है, नहीं सुने ये मेरी मूवी है, पैसे मैं लगा रही हूँ, सब ज्यादा सीन्स, जब तक मैं साइन नहीं करूंगा पैसे आपको मिलेंगे नहीं, नहीं नहीं मतलब चलो आधे आधे मेरे और आधे जिनके साथ करने मैंने, ठीक है अच्छा, अब मूवी का नाम मैं रखूंगी, मूवी का नाम बताएं, लेट्स बिगिन, लेट्स बिगिन, ये कुछ सही नहीं लग रहा मुझे, आप कुछ और कर लो, अच्छा जी डायरेक्टर कौन होगा, इमेजिनेशन डायरेक्टर कौन होगा आजकल मुझे नाम नहीं आते, लेकिन नाम नहीं आते आपको, हाँ मुझे नाम नहीं आते बहुत सारे, मतलब आई हैव अ प्रॉब्लम विद नेम, फिर भी बट मोहसिन तलत को रख, हाँ आई वुड लव टू, व्हाई नॉट, आई लव मोहसिन भाई, Okay. तो आपकी फिल्म वो बनाएंगे, हाँ क्यों नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं,
ठीक है जी, लेट्स बिगिन। एक फिल्म आने वाली है जी, मोहसिन तलत उसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जर्निश खान ने उसको प्रोड्यूस भी किया है, एक्ट्रेस भी है, और उसमें कास्ट है क्रिस हेम्सवर्थ, क्रिस एवंस और ऊपर से ब्रैडली कूपर, बमन ईरानी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। मैं कहता हूँ ये तो हिट है। और ये शूट कहाँ होगी? पाकिस्तान में। अच्छा, सारा गोरा इनके वीजों में ही फंस जाएंगे, इनके एनओसी नहीं मिल पाएंगे, सिक्योरिटी दे देके मर जाएंगे आप। हाँ, लेकिन पैसा तो है भाई, लेकिन पूरी दुनिया का पैसा है भाई यार। हाँ हाँ यार, हो जाएगा, बहुत शो ऑफ पैसा ही पैसा। नहीं, लेकिन वेल डन, आपने बहुत अच्छा खेला, एंड थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम आउट, इट वाज ग्रेट फन हैविंग यू ऑन द शो। आई हैड द बेस्ट टाइम, मतलब मैं इतने डल मूड में थी, बट यू गाइस आर अमेजिंग एट व्हाट यू डू, और मैंने आई इमेंसली एंजॉयड मायसेल्फ। अब आपको शशोपंच तो नहीं होगी? मुझे बिल्कुल शशोपंच नहीं है, और जिन लोगों को हो प्लीज कम टू दिस शो, इट्स अमेजिंग। हां, काफी लोगों को शशोपंच होती है लेकिन वो यहां आते हैं तो फिर वो बात चेंज हो जाती है, बट थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग द टाइम। और आपके बहुत सारे चाहने वाले शो देखेंगे, अगर आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहती हैं जो आपने पहले सेगमेंट के एंड पे दे दिया था, अब आप दोबारा से कोई और दे दें। सो जो मैसेज मैं देना चाह रही हूँ वो एक्चुअली कॉन्स्टेंट है, मैं हमेशा कहती हूँ, हमारे आजकल माशरती तौर पर आपने देखा होगा नेगेटिविटी बहुत बढ़ती जा रही है, लोगों को बहुत गुस्सा है, उनके अंदर एग्रेशन इतना भरा हुआ है, वो सोशल मीडिया पे निकालें या वो टीवी प्लेटफॉर्म्स पे निकालें या वो घर पे अपने माँ बाप या माँ बाप बच्चों पे या मियाँ बीवी पे, बहन भाइयों पे, एक बहुत नफरत का सा माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं अपने आसपास। प्लीज़ ऐसा नहीं करें। जब भी हम किसी भी मसले के बारे में बात करते हैं, हम कहते हैं ये चेंज क्यों नहीं होता, वी डोंट रियलाइज वी आर द पीपल हु ब्रिंग इन चेंज। जब तक हम चेंज नहीं होंगे वो चेंज नहीं आएगा, तो वो पॉजिटिविटी, वो खुशहाली, वो एक अच्छी निगाह से दूसरी चीज़ को देखना, एक्सेप्टेंस, वो अंदर से आएगी। आप बदलें, लोग बदलेंगे, दुनिया बदलेगी, एंड दैट्स द ओनली वे, वी रियली नीड पॉजिटिविटी इन दीज करंट टाइम्स। वंडरफुल। आदि भाई, आपका कोई मैसेज? मैं बस यही मैसेज देना चाहूँगा कि जो मैंने शो के शुरू में भी दिया जी, कि जो भी लोग अभी उस मुसीबत से गुजर रहे हैं, मैं और हम लोग, हम सारी इंडस्ट्री उनके साथ खड़ी है, और हम जितना कर सकते हैं हम कर रहे हैं। मैं जो दूसरा शो करता हूँ, मैंने उधर भी यही मैसेज दिया, मैं इधर भी यही मैसेज दे रहा हूँ, और मैं सोशल मीडिया पे भी ये बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह मियाँ से उम्मीदें रखें, हम एक ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ सिस्टम नहीं है, लेकिन इंशाल्लाह थिंग्स विल गेट बेटर और सारे मसले हल हो जाएंगे इंशाल्लाह जी। उम्मीद करते हैं आपको हमारा शो पसंद आया, और पसंद आया तो अगले वीक भी ट्यून कीजिएगा। जाने से पहले काशिफ भाई, आप हमें क्या सुनाने वाले, जल्दी से सुना दें। सलीम जावेद का एक सॉन्ग, आप क्यों गा रहे हो? दिल बन जा मेरी, बन जा दिल जानिया, हसा लाणिया तेने फाणिया दिल जानिया, दिल बन जा मेरी, बन जा मेरी जानिया, हसा लाणिया तेने फाणिया दिल जानिया, है मोहब्बत इस दिल दे वे बनोनिया, दिल बन जा मेरी हाणिया, हसा लाणिया तेने फाणिया दिल जानिया, है मोहब्बत इस दिल दे वे बनोनिया, दिल बन जा। से मैंने तेरा इंतजार की, तेरे लिए दिल मैंने बेकरार की, हाणे आवे मेरे दिल जाने आवे, मेरे बह के गल दिल दे वे मथोणिया, दिल बन जा मेरी, बन जा मेरी हाणिया। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं जावेद शेख और मैं आ रहा हूं द मजेदार शो विद आदि एंड फैजान, देखना मत भूलिएगा, ओनली ऑन टीवी वन। मजेदार 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 द मजेदार शो।